Hi, hello everyone. Welcome to this live webinar. Friends, आज मैं इतना excited हूँ कि आज आपके साथ जो मैं जुड़ा हूँ एक अपने concept के साथ में, अपने topic के साथ में. मेरी आवाज आ रही है तो एक बार सभी अपने comment box में yes लिखिए, so that कि I can know कि हाँ आपके पास मैं communicate कर पा रहा हूँ properly. Great. Very good. चलेगा दोस्तों, आज जिस शख्सियत से आपको मिलाना चाह रहा हूं, जो मैं माइंड साइंस पे काम कर रहा हूं, जो मेरा एक सफर शुरू हुआ था एक सैनिक के रूप में, जहां मैं एक सैनिक से एजुकेटर, एजुकेटर से एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से एक लाइफ कोच एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर आज मैं हूं. आज मैं लाखों लोगों को हेल्प कर रहा हूं. तो उस सफर में किन किन लोगों का पार्टिसिपेंट रहा, किन किन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, बहुत से लोग इस सफर में मिले. उनमें से एक व्यक्ति जिनका बहुत बड़ा रोल मेरी लाइफ में रहा है, जिन्होंने मुझे माइंड ट्रेनर और माइंड संगत में पहुंचाया कि किस तरह हम माइंड को एक्सेस करते हैं, किस तरह हमारी इमोशंस को हम अपने अचीवमेंट के साथ अटैच करके बेहतर रिजल्ट ले पाते हैं. आज आप सभी यहाँ पे जुड़े हैं, आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है और आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिली है आज उस शख्सियत से मिलने की. वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनको आज इंडिया लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे एनएलपी का गुरु माना जाता है. आज एनएलपी के बारे में हम उन्हीं से, उन्हीं के मुंह से सीखेंगे एनएलपी है क्या चीज, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हम उसको कहते हैं, जिनका मैं मास्टर लाइफ कोच हूँ, और जो ट्रेनिंग हमारे सर ने जो हमें दी, और उनका कहना सिर्फ एक ही था कि जब भी देते हो दिल से देना, जितना भी देते हो शिद्दत से देना. उनका कहना यह था कि जब आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने लग जाओगे तो आप अपना लाइफ का पर्पस ढूंढ लोगे. आपका मकसद, जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर लेता है, कर देता है, तो वो एक कंट्रीब्यूटर के रूप में डेवलप होता है. दोस्तों, उनके सानिध्य में आने के बाद जो मेरे अंदर एक अद्भुत परिवर्तन जो हुए, जिनमें मैंने अपने वोकल में, अपने एक्सप्रेशन में और अपनी बिजनेस ग्रोथ में सब जगह जो मेरे अंदर चेंजेस आए, वो मैं खुद इन चीजों को फील करता हूं कि मैं क्या था और क्या से क्या बन गया. तो आइए आज उस शख्सियत से ही आपको रूबरू कराते हैं कि ज्यादा समय हम ना लेते हुए उन्हीं के साथ में हम आपको अब आगे इंट्रोड्यूस कराते हैं. एक बार सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपनी वीडियो खोल के और एक बार अपनी अपनी वीडियो ऑन करके मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं. एक बार हमारे आज के स्पेशल गेस्ट राम सर का, राम वर्मा सर का स्वागत कीजिएगा. वहीं से जहां भी आप बैठे हुए हैं वहां से ताली बजा करके एक बार सभी ऑन कीजिएगा. मैं अपने आप को यहाँ पे आपको लेता हूँ स्क्रीन पे, सभी की वीडियो देखते हुए. कितने लोग जन्म जय प्रधान जुड़े हैं उड़ीसा से, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बहुत से लोग दूर दूर से जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु से भी जुड़े हुए हैं, ग्रेट. तो जहां से भी लोग जुड़े हुए सारे एक बार वहीं से एक बार ताली बजा करके सर का स्वागत कीजिए. मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा. राम सर प्लीज ज्वाइन द सेशन. स्वागत कीजिए राम सर का, जिन्होंने आज इस एनएलपी की कॉन्सेप्ट के ड्यूरेशन में अपना एक बहुत बड़ा महारत हासिल किया और आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे उनकी छवि को जाना जाता है, जिन्होंने हिंदी में कन्वर्ट करके माइंड साइंस की लैंग्वेज को, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को इतना आसान कर दिया है कि हम और आप भी इस पे काम कर रहे हैं. चलिएगा राम सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. प्लीज राम सर. आपको सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, और अनिल जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है इस सेशन में. और मैं आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं जानता हूं और जो सवाल आप पूछेंगे उनका जवाब मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा. अनिल जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में कही हैं, इतना बड़ा तो नहीं है कोई मेरा इंट्रोडक्शन, लेकिन जो भी है मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए इस समय को जो भी 1 घंटा 1.25 घंटा हम रहेंगे इसे बेहतर बनाया जाए. अनिल जी प्लीज. थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग द योर शॉर्ट इंट्रो. मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि जहां सर के साथ में सानिध्य में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हुए हैं, बड़े बड़े एक्टर्स भी आए हुए हैं, जो इनसे ट्रेनिंग ले चुके हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ग्रो करने में. अब सबकॉन्शियस माइंड की जहां बात आती है तो मैं उससे पहले एक बार सर से सर की जर्नी के बारे में शॉर्ट में पूछना चाहूंगा. हालांकि इनकी जर्नी पिछले 25-30 सालों से ये इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से एक व्यक्ति लोअर लेवल से उठ करके जो
हाई लेवल पे पहुंचता है उसी को महान कहा जाता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पे था, किसी लेवल पे था, उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, खानदानी सिस्टम पे था, और वो ही आगे ग्रो होता है तो उसको कोई याद नहीं करता। धीरू भाई अंबानी को लोग याद करते हैं, मुकेश अंबानी के बारे में कम डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने जीरो से उठकर के वहां तक पहुंचाया था। तो आज मैं राम सर से थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन करना चाहूंगा कि एक बार सर अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए शॉर्ट में, कि कहां से आपने 25-30 साल पहले शुरू की और आज आप कहां तक पहुंचे, ताकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपने अंदर इंस्पिरेशन ले कि हम भी कर सकते हैं। जब राम सर कर सकते हैं, अनिल के कुमार कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। एक बार छोटी सी आपकी जर्नी को बताइए। ऐसा कुछ नहीं है जर्नी में, आई बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज इन वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से मैं गांव से बिलोंग करता हूं, और सिंपल जर्नी मेरी वही रही जो एक किसान की होती है या किसान के एक बच्चे की होती है। गांव में पढ़ना लिखना हुआ, वही एक छोटे से टाउन में पढ़ाई लिखाई हुई, वही टाउन है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का टाउन है, वही स्कूल है, वही कॉलेज है। जो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप वेलनेस को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे आप अपनी हेल्थ को, कैसे आप सक्सेस को, कैसे आप अपने बेहतर रिजल्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपके पास दो तरह का माइंड है, और ये माइंड बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ है, एक को आप चेतन मन कहते हैं और एक को अवचेतन मन कहते हैं। ये चेतन मन और अवचेतन को अगर आप समझ लेंगे तो आप अपनी जर्नी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इनकी जानकारी हमें स्कूल्स में नहीं दी जाती और लाइफ कट जाती है ऐसे ही, और जो भी दुनिया हमारे साथ हमें कहती है, जो भी हमें बताया जाता है, हम उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन कभी आप अपने पावर को नहीं समझते, आपके पास क्या पावर है। अगर आप मुझे अगले 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो आप अपनी लाइफ को इसी दिन से यानी आज से बेहतर कर सकते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि आपका कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस जिसको आप चेतन मन कहते हैं, आम भाषा में मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। आपकी अपनी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, आपने किताबें पढ़ रखी होंगी, आपकी नई डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन मेरी डेफिनेशन को सुनिएगा। जो आपका चेतन मन है वो इस बेसिकली जो भी इस वक्त आप चेतना में हैं, आप अपने होश में हैं, और होश से आप अपनी आंखों को देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं स्किन से, अपनी मसल से टेस्ट स्मेल करते हैं आप जीभ से और नाक से, तो इसे हम चेतना कहते हैं। यहाँ पर बहुत थोड़ी सी मेमोरी भी होती है, लेकिन ये मेमोरी दूर तक नहीं चलती। एक इसके परे हमारे पास अवचेतन मन होता है। जैसे आप इस वक्त अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, पर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कार कहाँ खड़ी है, कहाँ पर पार्क हो गई है, आपकी कार कहाँ पार्क है, तो आप उस जगह को देख सकते हैं। आपकी किचन कहाँ है, आपका बाथरूम कहाँ है, बाथरूम में शावर कहाँ है, आपका ड्राइंग रूम का बेडरूम क्या है, बेडरूम में आपका बेड कहाँ है, ये इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, तो उसे कौन देख रहा है जबकि आप मेरे सामने हैं? तो मैं कहूंगा उसे आपका अवचेतन मन देख रहा है। अब इसी फायरिंग करते करते वायरिंग शुरू हो जाती है, और हमारे माइंड में वो थॉट पूरी तरह से अपनी जगह बना लेता है। इतना ही नहीं, अब आगे सुनिएगा, वो थॉट जो आपके सभी न्यूरॉन में घूम गया है गहराई तक, जिसमें 80 बिलियन न्यूरॉन अब एक ही थॉट के साथ चल रहे हैं, या तो वो थॉट अच्छा है या खराब है, अब ये 80 बिलियन न्यूरॉन उस थॉट को लेकर अकेले नहीं रहते, वो आपके शरीर पर जाते हैं, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, और अब वो शरीर की 60 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर सोचने की बात है कि जो भी चीज आप कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हैं, अगर वो अनकॉन्शियस तक पहुंच जाए, अगर वो अच्छी बात है तो भी आपका मजा है, लेकिन अगर वो खराब बात है तो फिर वो एक मुसीबत का कारण बन जाती है। जितनी भी हमारी बीमारी शरीर में आती है, शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, ध्यान से सुनना, less than 1% बीमारियां वायरस को मार देगी, बाकी शरीर अपने आप स्वस्थ होगा। तो फिर बीमार कौन करता है? बीमार करते हैं आपके ये न्यूरोन में पड़े हुए थॉट। न्यूरोन भी नहीं करते, न्यूरोन तो पोस्टमैन है, तो जैसा पोस्टमैन को आप लिख कर भेजोगे, पोस्टमैन तो वैसा ही दे देगा, पर हम क्या करते हैं कि पोस्टमैन को तो दे दी गलत खबर, और वो पोस्टमैन जब किसी रिश्तेदार को गलत खबर देता है तो हम पोस्टमैन को मारने पर लग गए। पोस्टमैन को मारने से कुछ नहीं होगा, असलियत में आपने उस खत में ही गलत लिखा है, बस यही ख्याल करना है।
दूसरी बात यह भी है कि कॉन्शियसली चेतना के भाव से तो आप सब कुछ जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, मेरी उम्र 60 साल हो गई है, 60 साल में मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसे ये नहीं मालूम है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। सबको मालूम है क्या करना चाहिए, मुझे भी मालूम है, आपको भी। हर बीमार को मालूम है उसे स्वस्थ रहना चाहिए, हर आदमी को मालूम है उसे पैसा कमाना चाहिए, हर गुस्सा करने वाले को मालूम है गुस्सा नहीं करना चाहिए, हर डिप्रेस्ड आदमी को मालूम है डिप्रेशन नहीं करना चाहिए, हर बच्चे को मालूम है उसे अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा क्यों होता है? इसका उल्टा इसलिए होता है कि जो चाहिए शब्द है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो मात्र कॉन्शियस माइंड तक तो है, चेतना तक तो है, लेकिन चेतना से अवचेतन तक नहीं गई है। बस यहीं पर अगर आपको कोई कला सिखा दी जाए, जिसे अनिल जी सिखाते हैं, मैं भी सिखाता हूं, कि जो थॉट आपके मन में आया है कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे स्वस्थ बनना है, ये थॉट कॉन्शियस लेवल पर अगर पड़ा है तो ये बेकार पड़ा है, इसे अनकॉन्शियस में ले जाएं। इसे ले जाने के बहुत सारे तरीके हैं और यहीं से ये टॉक शुरू होती है। अनिल जी आप अगर जुड़ गए हैं, हाँ सर, मैंने यहाँ पर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को समझा दिया है, मैं ही होस्ट बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और अभी आपका अनिल जी जब भी आप होंगे तो आप आ जाइएगा, अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं आप। सर जस्ट ज्वाइन, सॉरी, आज नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा है, आई होप यू आर लिसनिंग माय सॉन्ग। हाँ हाँ सर, एक सवाल यहाँ पे आया हुआ है कि किस तरह से हम अपने गोल का और सबकॉन्शियस माइंड का क्या इश्यू है, क्या गोल को सबकॉन्शियस माइंड को हम अटैच करते हैं तो उससे हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, या कॉन्शियस माइंड में रखते हैं तो उसको हम ज्यादा बेहतर रख पाते हैं, तो इसके बारे में। आप ये समझिए कि जब भी आप अपने लक्ष्य को अपने अनकॉन्शियस में रखेंगे तो फिर आपके लक्ष्य को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। दूसरी बात ये भी होगी कि जब आप अपने लक्ष्य को अपने सबकॉन्शियस यानी कि अंतर अवचेतन में अगर रख लेंगे तो फिर आपका अवचेतन मन वो सारे के सारे अवसर आपके सामने निकाल कर रख देगा, वो सारे के सारे लोग आपके मन के सामने रख देगा, वो सब जगह आपकी पूरी बॉडी को इस तरह से तैयार करेगा कि आप उस लक्ष्य को पूरा कर लें। ठीक है, जिस जो रोज प्रैक्टिस करता है सुबह उठकर, जिस दिन वो एक्सरसाइज नहीं करता है उस दिन उसको थकान होती है, किसी राइटर से पूछेगा, जिस दिन वो नहीं लिखता है उस दिन वो थकता है या मूड खराब होता है, जिस दिन वो लिखता है उस दिन तो वो बिल्कुल अपने आप को रिलीफ देता है, इसीलिए कि उसका सबकॉन्शियस और उसका लक्ष्य एक हो जाता है। जब भी आपका अवचेतन मन और आपका लक्ष्य एक हो गया, इसी को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, एक रूपता कहते हैं। और ये अगर हम अपने बच्चों को समझा दें, आपका लक्ष्य है कि आपका वेट इतना होना चाहिए, आपका लक्ष्य है आपका धन इतना होना चाहिए, आपका लक्ष्य है कि आपकी इमोशनल एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, और ये लक्ष्य आपके अवचेतन तक पहुंच जाए। गड़बड़ यह है कि सबको ये चेतना में पता होता है, हाँ जी मुझे मालूम है, सारी दुनिया मुझे यही कहती है, हाँ जी मुझे क्या, मुझे मालूम है, वो दूसरी बातें होता नहीं है। फिर मैं ये कहता हूँ, अगर नहीं कर पाते तो तुम्हें मालूम ही कहाँ है। सही बात है, बहुत बढ़िया सर, आपने बताया कि इमोशंस के साथ में जब हम अटैच करते हैं अपने गोल को तो वो बेहतर तरीके से एक प्रोडक्टिविटी की ओर बढ़ता है, और बेहतर हमें आइडियाज भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें देता है आगे बढ़ने का। सर अगला सवाल यह है कि क्या सबकॉन्शियस माइंड हमें बिजनेस की ग्रोथ में, माइंड बिजनेसमैन का एक माइंडसेट बनाने में, या जॉब से हट करके अपना प्रोडक्ट तैयार करने के लिए भी हमें नए आइडियाज देता है? यस वेरी मच। उसके लिए आप एक छोटा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर चाहें तो मैं बता भी दूंगा अभी, और पूरा क्या पूरा बता सकते हैं। आपका चाहे कोई भी बिजनेस है, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप कोई सेल्स करते हैं, आप कोई शॉप चलाते हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं, तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड को तैयार करें उसके लिए, यानी कि अवचेतन मन को पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। गड़बड़ ये हो गया कि 80 बिलियन न्यूरॉन को तो पता ही नहीं है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो वो आपके शरीर को और आपके बाकी बॉडी पार्ट को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। तो पहली चीज ये है कि जब भी आप, अगर यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, 35 लोग जुड़े हैं, 35 के 35, और अगर आप ये 35 लोग अपने बच्चों को, अगर आपके या अपने घर में किसी को भी लक्ष्य बनवाना सिखाना हो, तो मैं छोटी छोटी चीजें बतानी शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप मेंटल रिहर्सल करें। मेंटल रिहर्सल करने का तरीका क्या होगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे।
जब भी आप किसी मैसेज को अपने सबकॉन्शियस में ले जाना चाहते हैं तो उस समय आपका रिलैक्स रहना बेहद जरूरी है। जब भी आप परेशानी में होंगे या ओवरथिंकिंग चल रही होगी तो आपका कॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में, बेहद जागृत अवस्था में है और वो मैसेज को जाने ही नहीं देता, तो आपको अल्फा स्टेट में जाना होगा। ये अल्फा स्टेट क्या है, आप इसे सिंपली योग निद्रा समझ लीजिएगा। आप अपने आप को लिटा लीजिए या बैठा लीजिएगा और कल्पना करें कि आपका एक एक अंग शांत हो रहा है और एक एक अंग को शांत कर लें, अपने पैरों के पंजों को शांत कर लें, अपनी चांद पिंडलियों को, अपने पैरों को, घुटनों को, फिर अपने पेट को, अपने कमर को, अपनी गर्दन को, अपने माथे को शांत करते हुए अब आप जैसे ही लगे कि आप शांत होते जा रहे हैं, अगले 5 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरह से शांत हो गए हैं। इस समय आप अपने अल्फा स्टेट में पहुंच रहे हैं। अल्फा स्टेट का मतलब होता है, इसे हम हिप्नोसिस में ट्रांस भी कहते हैं। यह वह दशा है जहां पर आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि बाधा पैदा करने वाला माइंड अब शांत होना शुरू हो जाएगा और वो अब आपको अलाउ कर देगा कि भाई मैं तो अब कुछ नहीं कह रहा हूं, जो तुम्हें करना है बात कर लो। तो ये दरवाजा खोल देता है सबकॉन्शियस के लिए। बस फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर दूसरा पार्ट है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपकी जागृत अवस्था धीरे धीरे कम हो रही है और आप अपने ट्रांस में जा रहे हैं, अब आप देखें कि जो गोल आपके हैं, कल्पना करें कि आपने वो गोल पूरे कर लिए हैं, कल्पना करें कि आपने वो गोल पूरे कर लिए हैं, ये देखना है। मान लेते हैं आप मोटे हैं और आप पतला होना चाहते हैं, तो अब आप कल्पना करें कि आप ऑलरेडी अपने मेंटल स्क्रीन पर एक ऐसी पिक्चर बनाएं जिसमें आप पतले हो चुके हैं, एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, हंस रहे हैं, और आप अपनी पिक्चर को जितना कलरफुल बढ़िया बनाएंगे और देर तक अपने इन छवियों को, इन इमेजेस को एंजॉय करेंगे, उतना ही अच्छा है। अगर आप बिजनेस की बात करते हैं और आप कहते हैं कि मैं ये बिजनेस को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, तो इमेजिन करिए कि मानो तुम इसे ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, तो अब आप कैसे उसे देखेंगे, लोगों की क्या क्या अप्रिशिएशन सुनेंगे, लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, आप किन किन चीजों को खरीदेंगे, किस जगह पर घूमने जाएंगे, कैसी ड्रेस पहनेंगे, किन लोगों के साथ घूमेंगे, कैसे आपके घर के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस तरह से अब आपके माइंड को एक ऐसी स्थिति पहुंचने चाहिए कि मानो आपका माइंड इस बिजनेस के साथ पूरी तरह से जुड़ गया हो। और इस ट्रांस में अगर आप 10-12 मिनट रह लेते हैं और 10-15 बार ये ट्रांस कर लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 80 बिलियन न्यूरोन के साथ आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। अपने बच्चों को भी ऐसे ही बताएं, अपने बच्चों से कहो उन्हें ट्रांस में ले जाकर जब वो सोने वाले हों, धीरे धीरे सो रहे हों, आप उनके सिरहाने बैठ जाएं और सिरहाने बैठकर उनसे कहना शुरू करें कि देखो तुम एग्जाम में टॉप कर रहे हो, तुम अगली क्लास में जा रहे हो, बड़े होकर तुम डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी आप ये बन रहे हो, आपके पास बड़ी कारें हैं, आपके पास वर्ल्ड टूर है, आपके पास अच्छी ड्रेसेस हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये बातें उसके सबकॉन्शियस में जाएंगी और सबकॉन्शियस में गई हुई बातें कभी भी निरर्थक नहीं जाती हैं। इस तरह से आप हर पार्ट, और अगर आपके पास कोई बीमारी है तो अब आप अपने इसी ट्रांस में जाकर अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी होते हुए देखें। अगर कोई बीमारी है, कहीं गांठ है, कहीं कोई इन्फेक्शन है, कहीं कोई अनवांटेड ग्रोथ है जिसको कैंसर कहते हैं, इमेजिन करें कि वो बिल्कुल ठीक हो रही है, यानी कि अपने आप को ठीक दृष्टि से देखें, ठीक सिचुएशन में देखें। इसे जितना गहराई के साथ देखते हुए आप ट्रांस में रहेंगे 10 मिनट 12 मिनट, बस यही आपके लिए मैजिक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर ने बहुत डिटेल में आपको समझाया, कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी दी आपको। इन चीजों को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सबकॉन्शियस माइंड के आप रेंज में जाकर के अल्फा स्टेट में आप आकर के अपने आप को ट्रेन करते हैं तो आप उस अपने गोल को अचीव कर पाओगे। वहीं कुशल ने एक सवाल पूछा था कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्सेस करें, कैसे कंट्रोल करें। आई होप इट विल हेल्प यू। और अब अगला सवाल मैं लेता हूं, जो एक व्यक्ति ने पूछा है सर कि ये काउंसलिंग में किस तरह से हेल्प कर सकता है हमारा न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हम काउंसलिंग करते समय किन चीजों का ध्यान रखें। किसमें, एक बार फिर पूछो, किस काउंसलिंग में? हाँ, काउंसलिंग में, द पर्सन हु इज डूइंग द काउंसलिंग फॉर द माइंड टू मैन और
सम अदर पर्संस, तो किस तरह से उन चीजों का स्पेसिफिकली हम अपनी एनएलपी को यूज करके उनको हेल्प कर सकते हैं? देखिए, अगर आप किसी भी तरह की काउंसलिंग कर रहे हैं, जी चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसलिंग करें, चाहे वो हॉकी प्लेयर्स को करें या क्रिकेटर्स को, कबड्डी प्लेयर को करें या शूटर्स को, आप किसी मरीज की काउंसलिंग करें या फिर किसी बिजनेसमैन की, यूथ की काउंसलिंग करें या बच्चों की या फिर कपल्स की, एनएलपी दो चीजें आपके लिए करता है। एक, वो आपको ये बताता है कि किसी के माइंड को कैसे एक्सेस करना है, और दूसरा, एक्सेस करने के बाद जिन स्किल्स की आपको जरूरत है, वो आदमी चाहता है कि मुझे मोटिवेशन मिले, तो एनएलपी आपको ये बताएगी कि कैसे उसके दिमाग के अंदर मोटिवेशन के पैटर्न डालने। एक बिजनेसमैन कहता है कि मेरा हजार करोड़ का बिजनेस है, मुझे ये 1,500 करोड़ पर ले जाना है, तो अब आपको एनएलपी पूरे टॉपिक्स बताएगी कि ये टॉपिक इसको बताने हैं। एक डिप्रेस्ड आदमी कहता है कि मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है, तो एनएलपी के टेक्निक ये बताएंगे आपको कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स लगाने हैं। एक बच्चा कहता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार करना है, अब एनएलपी आपको बताएगी कि उसको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं। तो एनएलपी सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ रेपो एस्टेब्लिश कर ली कि उसके साथ दोस्ती करने में हेल्प करेगी, बातें करने पे हेल्प करेगी। इवन मैं तो ये मानता हूं कि काउंसलिंग बगैर एनएलपी को तो हो ही भी नहीं सकती। आप अगर किसी आदमी को ये कह रहे हो, कोई आदमी अपने काम को कल पर टालता रहता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं यार, विल पावर लगाओ, कल काम करो, विल पावर लगाओ, काम कर लो, ये तो सारे उसके कॉन्शियस माइंड में जा रहा, इससे कुछ नहीं होगा। और थोड़ी देर के लिए वो कहेगा भी, सर आपने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे भी मालूम है, उसको भी मालूम है, कुछ नहीं बदला, कल से फिर वो वैसे ही करेगा, क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो पैटर्न पड़े हुए थे उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा तुम स्मोकिंग छोड़ो, मैं ये पूछूंगा छोड़ना चाहते हो? हाँ, बस अब मैं उसे ऐसा माइंड प्रोग्रामिंग कर दूंगा कि वो स्मोकिंग को देखते ही उल्टी करेगा, वोमिट करेगा। तो ये नहीं कि एनएलपी ने मुझे ये बताया है कि उसके माइंड के अंदर कैसे जाए और चेंजेस भी कैसे करें। तो एनएलपी के बगैर तो आपके पास कोई चेंज करने का टूल ही नहीं है, इसलिए एनएलपी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। राइट 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 सर, एक और सवाल आया है, वो पूछते हैं कि हम रिलेशनशिप में किस तरह से अपने आप को एनएलपी को यूज करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि रहे। वहीं इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल और भी है कि काफी लोगों की शिकायत रहती है कि हमें हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ने देता है, तो उस सिचुएशन में परिवार को भी संभालना है और उसके साथ में अपने आप को ग्रो भी करना है और रिलेशनशिप भी बना के रखनी है, तो थोड़ा सा पहले एक एक चीज को ले लेता हूँ। हाँ, एक एक चीज को ले लीजिए सर, रिलेशनशिप से और दूसरा परिवार के साथ में भी कैसे गोल को अचीव करें। देखिए, जहां तक रिलेशनशिप को बेहतर करने की बात है, पहले तो आपके माइंड के अंदर गोल क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। रिलेशनशिप बचाना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं? तो जब बचाना चाहते हैं तो फिर सर्वाइवल मोड में रहेंगे, बेहतर करना है तो बेहतर कर सकते हैं, तो हमें पहले गोल ही क्लियर नहीं होता, ठीक है ना? तो बेसिकली, और दूसरी बात, जब भी आपके माइंड के अंदर दूसरे के लिए पैनिक अटैक आएगा तो कैसे रिश्ता बचेगा? तो हमारे अंदर एंगर भरा पड़ा है सबकॉन्शियस के अंदर, वो तो निकाला नहीं, बेसिकली एक मरा हुआ चूहा पड़ा है कमरे में, वो तो निकाला नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि इस कमरे में खुशबू कैसे आए? तो मन के अंदर जो आपके क्लटर भरे पड़े हैं, गार्बेज भरे पड़े हैं, उन्हें कुछ लोग एनर्जी में एनर्जी से निकालने की बात करते हैं, मुझे नहीं आइडिया उसका, लेकिन एनएलपी से आप उनको हटा सकते हैं। दूसरी बात, रिश्ते की बात जब भी तभी खराब होगी जब भी आपके मस्तिष्क के अंदर, यानी कि सबकॉन्शियस के अंदर, आप अपने पार्टनर की छवि को खराब कर चुके हैं, यानी कि जिनको आप सब मॉडलिटी कहते हैं। अगर मैं सभी लोगों से पूछूं, मैं दो लोगों के बारे में सोचता हूं, आप सब लोग सोचिए, एक आपके लिए जो सबसे प्रिय आदमी है उसके बारे में सोचिए, और एक ऐसा आदमी जो दूर का कोई रिलेटिव है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों को जैसे ही आप सोचते हैं तो आप पाते हैं कि जिस आदमी को आप बेहद प्यार करते हैं उसकी इमेजेस ब्राइटर हैं, उसकी इमेजेस नजदीक हैं, उसकी इमेजेस कलरफुल दिखाई दे रही हैं, और वो जो दूर का आदमी है वो डिस्टेंट पिक्चर दिखाई दे रही है। यानी कि अब आपका माइंड ही जानता है पिक्चरों की क्वालिटी से कि कौन आदमी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने रिश्ते को बेहतर करें, आप अपने पार्टनर की इमेजेस को बेहतर करें, उनकी आवाजों को बेहतर करें, बेसिकली बाहरी वर्ल्ड में रिश्ते को आप सुधारते हैं,
ये तो अंदर सुधारा जाता है, छवि कैसी है उस आदमी की आपके मन के अंदर, उसकी पिक्चर्स क्या है, जिनको हम सब क्वालिटीज भी कहते हैं, आप जानते हैं सब मॉडलिटीज भी कहते हैं। दूसरी बात आप कुछ रूल्स को याद रखें। पहले तो आप लोगों को मत बदले, दुनिया बदलेगी तो तुम खुश होगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा और उसी दुनिया के साथ रहना होगा। आप ये कह रहे हैं कि टाइगर सारे के सारे वेजिटेरियन हो जाएं तो मैं खुश रहूंगा, एक भी टाइगर वेजिटेरियन नहीं होगा, फिर भी आपको जंगल में जाकर मजा लेना है और टाइगर के साथ सेल्फी भी खिंचवानी है, लेकिन अपने आप को बचा कर, नहीं तो टाइगर खा जाएगा। तीसरी बात ये समझिए कि पीपल आर वर्क इन प्रोग्रेस, लोग हमेशा प्रोग्रेस हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो कभी भी हाईवे नहीं है। आप जब भी ये गलती करेंगे कि किसी भी आदमी को परफेक्ट मान लेंगे, उसी दिन आप गलती करेंगे, वो इम्परफेक्ट है, उसका कैलेंडर में जन उम्र बड़ी है। मेरी उम्र 60 साल की कैलेंडर में हुई है, आपकी 40 साल की उम्र कैलेंडर में हुई है। जरूरी नहीं है कि दिमाग से अभी आप 40 साल के हुए हो। कहा तो ये जाता है कि 10 साल तक की तो मेंटल एज में बहुत बड़े हम ज्ञानी बन जाते हैं, हमारी तो मेंटल एज 2-3-4-5 साल की रहती है, तो ऐसे में तो गलती करेंगे ही करेंगे। तीसरी अगली बात ये भी है कि आप बेसिकली एक रूल को समझे। मुझे एक रूल बताया था एक मेंटोर ने, और ये मुझे बताया था आज भी मुझे याद है, ये 1986-87 की बात है, और उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था जो सभी लोगों के लिए जरूरी है यहाँ सुनना। जरूरी नहीं है कि उस सेंटेंस को सुनकर आप खुश रहें, पर मैं बता देता हूं, मैं उस देखता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर आप पर पर्सन पर डे 50 गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है तो इस दुनिया में रहना, वरना एवरेस्ट पर चले जाकर अपना भजन कीर्तन करना। दुनिया में रहना है तो 50 गलती पर डे पर पर्सन आपको झेलनी पड़ेगी, तभी आप रह सकते हैं, क्योंकि आपने अपने रूल्स बना रखे जीने के और उसके अपने रूल्स हैं। आप कहते हैं कि ये रूल बदले और वो भी यही कह रहा है आपके लिए। आप पति पत्नी से कभी पूछना, पत्नी कहती है मैं बड़ी दुखी हूँ इसको, इस आदमी से इसकी काउंसलिंग कर दो, और आदमी कहता है मेरी बीवी की काउंसलिंग कर दो, मैं तो ठीक हूँ। हर आदमी को यही लगता है कि हम दोनों ठीक है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है, काउंसलर को है क्या? अच्छा, दूसरा आपने कहा कि परिवार कहते हैं कि ये पीछे, देखो जब भी आपका परिवार आपसे ये कह रहा आगे मत बढ़ो, वो ये नहीं कह रहा है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, 5-day वर्कशॉप में भी, 14-day वर्कशॉप में भी, एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन। जब एक फादर अपने बच्चे से बाइक की या कार की चाबी छीन लेता है और बच्चा कहता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, अपनी बाइक मुझे नहीं देते, आज से मैं तुम्हारी बाइक नहीं चलाऊंगा, ये लो अपनी कार अपनी खरीद लूंगा, असलियत में वो समझता नहीं है। बाप को ये लगता है कि अभी ये ट्रेंड नहीं हुआ, ये कार ले जाएगा किसी को टकराएगा, चोट लगेगी और केस बनेगा। तो जब आपका परिवार आपसे ये कह रहा है कि आगे मत बढ़ो, तो परिवार बेसिकली ये नहीं कह रहा है कि आगे मत बढ़ो, वो ये कह रहा है उसके उनके दिमाग में ये है कि तुम कहीं कोई गलती कर रहे हो। दूसरी बात आपके परिवार वाले आपके बारे में बहुत गहराई तक जानते हैं कि आप क्या हो। बाहर के लोग आपको जानते हैं कि भाई आप बड़े इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना, आपके मम्मी पापा तो जानते ही हैं कि भाई अभी तुम अनपढ़ अभी नादान हो और उम्र कोई भी रही हो, और यही उनकी खास बात भी है। तो I mean 2015 में आई लॉस्ट माई मदर, 98-99 की एज में भी वो यही कहती थी तुम तो अभी अनादान हो, और हम भी ये कहते थे नादान है, दुनिया ये कहती थी बड़े अकलमंद है। तो पेरेंट्स के लिए तो नादान रहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने उनके साथ नादानी वाले ही काम किए। तो वो जो सब जब ये कह रहे हैं कि तुम ये ना करो ये ना करो, तो उनको ये समझाओ कि मैं ये तो करूंगा, लेकिन इससे ये बताओ कि तुम्हारे फियर्स क्या है। जैसे ही आप उनके फियर्स को पूरा कर दोगे, वो आपको परमिशन अलाउ कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर आपने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को क्लियर किया, और एक ही सवाल में आपने 3 व्यक्तियों को सेटिस्फाई कर दिया। और सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक हम अपने पेरेंट्स की या अपने सिबलिंग्स की सामने वाले की इंटेंशन को नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको एक बेस्ट रिलेशनशिप और बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। यही चीज सेलिंग में भी काम आती है एक बिजनेसमैन के लिए, कि वो अपने कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को और बेहतर और क्वालिटी दे पाए। सर एक सवाल और आया है कि
जो पेरेंटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि काफी पेरेंट्स भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी गाइडेंस मैं आपकी तरफ से चाहूंगा, जो बच्चों की सेल्फ इमेज को लेकर के थोड़ा सा आप रखें कि पॉइंट दें कि किस तरह इसको अपने बच्चे की सेल्फ इमेज को अपडेट रखें, किस तरह अपने बच्चे की सेल्फ इमेज को ग्रो करते रहे, ताकि एक लेवल पे जाकर के आज हम और आप देखते हैं कि काफी लोगों की सेल्फ इमेज डिस्टोर्ट हो जाती है। कल परसों का अगर हम हादसा देखते हैं, सुशांत जी ने अपना सुसाइड किया, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टोर्ट कर लिया, किसी बाहर के बहकाव में आकर के अपने आप को, अपने माइंड को और अपने थॉट पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाया। तो वो एक छोटी सी गाइडेंस आपकी तरफ से मैं चाहूंगा ऑडियंस के लिए, जो भी पेरेंट्स है, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स है, किसी का छोटा बच्चा है तो किसी का बड़ा बच्चा, एक गाइडेंस आपकी तरफ से उनकी सेल्फ इमेज हमेशा बनाए रखें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चाइल्ड हुड का जो पेरेंटिंग का जो सबसे ज्यादा टाइम क्रूशियल है, जो मैंने अब समझाया कि वो पहले 7-8 साल है, जब बच्चा 6-7-8 साल का है, वो अपने वर्ल्ड को तब तक बना चुका होता है, रिश्तेदारों को देखकर, भाई बहनों को देखकर, माता पिता को देखकर, अपने सराउंडिंग को देखकर, लोकल मॉडल एक्सेलेंस जिसको हम कहते हैं कि वो लोकल मॉडल को देखकर सर, और यहीं पर बहुत सारी चैलेंजेस उसके बाद आते हैं, इसलिए यहीं पर बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद तो उसके लॉजिक डेवलप हो जाते हैं, और लॉजिक्स में फिर वो उसके सामने टीचर्स भी आ जाते हैं, उसके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा भी और उसमें भी सबसे बड़ा जो रोल है वो मदर का है, पेरेंटिंग। अब ये क्या कर रहे हैं कि बाद में चीजों को ठीक कर रहे हैं। अब खुद सोचिए कि एक लड़का जो बताते हैं कि वो टॉपर था और बहुत अच्छा ओलंपियाड भी जीता था फिजिक्स का, बाहर की यूनिवर्सिटी में भी उसको अप्रिशिएशन मिला, इतना हार्ड वर्किंग भी था, यहाँ तक भी पहुंचा, और उसने पैसे भी कमा लिए, जितना एक आम आदमी के पास पैसा होना चाहिए उससे तो 10-20 गुना ज्यादा ही होंगे उसके पास, ऐसी जगह पर रह रहा था। लेकिन सोचिए कि जहां पर उस आदमी के पास सिर्फ और कुछ भी नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा कि उसको टेंशन क्या थी, टेंशन ये थी कि भाई आगे क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, मुझे ये 10 पिक्चर नहीं मिली तो क्या होगा। अरे भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, मस्ती करो ना बीच पर बैठकर, 60-70 करोड़ रुपए बता रहे हैं तुम्हारे पास है, तो अब तो 10 साल तक तुम्हें काम करने की जरूरत भी क्या है, बीच पर बैठ कर आराम से अपना हंसो खाओ। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि हमने इवेंट बेस्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया है। तो पेरेंट्स को यही समझाना है कि भाई इवेंट बेस्ड लाइफ नहीं जीनी है, और रोल ओरिएंटेड नहीं जीना है। आज रोल मिला है मुझे कंगाली का, तो कंगाली के साथ जी लेंगे, कल रोल मिला है सक्सेस का तो सक्सेस को जी लेंगे। अब हर बार रामलीला वाला जरूर छोड़े कि तुम्हें राम का रोल देगा, बूढ़े हो जाओगे तो विश्वामित्र का देगा, जवानी में आप सीता का रोल भी मिलेगा, ये थोड़ा ही कहते बुढ़ापे में भी सीता का ही रोल लोगे। सही बात है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये भी है कि पेरेंटिंग को, ये पेरेंट्स को ये भी समझाना चाहिए कि वो जितना प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों को जरूरत नहीं है, बच्चे को हर पेरेंट्स एवरेस्ट पर पहुंचाना चाहते हैं, और एवरेस्ट पर पहुंचकर कोई मजा नहीं है, याद रखे अकेलेपन के कोई अलावा कुछ भी नहीं है एवरेस्ट पर। लेकिन एवरेस्ट से पर कैसे रहा जाता है, कैसे पहुंचा जाता है, ये प्रोसेस कोई नहीं बताता। प्रोसेस ये है कि भाई आप पूरी तरह से हार्डवर्किंग रहें, फेलियर को एडजस्ट करना सीखे लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन को संभालना सीखें, डिप्रेशन को हैंडल करना सीखे किसी शताब्दी में। और अब आप सिखा रहे हैं पेरेंट्स के फटाफट इसको मैथमेटिक्स में टॉपर हो जाए, इसके अलावा भी है लाइफ। राइट सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पेरेंट्स के लिए गाइडेंस दी। पेरेंट्स को इस चीज में और कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे पे जब आप पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कम्युनिकेशन जितना क्लियर रखोगे, जितना हंस बोल के उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, उतने ही बेहतर आपके रिलेशनशिप बनेंगे। आज ज्यादातर अगर हम 2014 की सर्वे देखते हैं तो हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कर रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो कैपेबिलिटी या पोटेंशियल की कमी है, बल्कि इसलिए कि उसके पेरेंटल जो प्रेशर है उसके ऊपर वो ज्यादा होता है। तो आप उसका सहारा बनिए, ना कि उसकी कमजोरी। तो मैं आशा करूंगा सभी पेरेंट्स इस चीज का ध्यान रखेंगे, और अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे को आप पर विश्वास होना चाहिए, सारी दुनिया माने या ना माने मेरे पेरेंट्स मेरी बात मानेंगे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, बच्चों को सारी दुनिया पे विश्वास है, सब मान जाएंगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस बात को नहीं मानेंगे। इसमें एक चीज और भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो रियल पेरेंटिंग है। आप, मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ आपको, तो कई बार सुना रखी है, यहाँ भी सबको सुना देता हूँ सर। मान लेते हैं आपके पास एक 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है,
आप उसे पार्क में गए खिलाने के लिए, बच्चा पार्क में खेल रहा है कि अचानक, और आप बेंच पर बैठे हैं पीछे, बच्चा कभी तितली पकड़ता है, कभी फूलों में खेलता है, कभी गिरता है, कभी हंसता है, और अचानक वो देखता है कि पीछे उसके पेरेंट्स नहीं बैठे जो बेंच पर बैठे थे। तो जैसे ही वो देखता है कि बेंच खाली है पीछे से, तो क्या अब वो खेलेगा वहां? वो नहीं खेलेगा। फिर क्यों नहीं खेलेगा? पार्क तो वही है, फ्लावर्स तो वही है, वो क्यों नहीं खेलेगा? बिकॉज उसके खेल का मजा तभी तक है जब तक उसके पीछे उसके पेरेंट्स बैठे। याद रखिएगा, पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए, आपको आपके बच्चे का सेफ्टी नेट बनना है। कई बार वो गलती करेगा, कई बार वो फेल होगा, कई बार वो फ्रस्ट्रेशन से गुजरेगा, तो उस समय आप उसका सेफ्टी नेट बने, ना कि आप उसे ताने मारे। बहुत बढ़िया सर। सर एक और सवाल आया है इसी से रिलेटेड ही, बच्चों से रिलेटेड ही। मनीष जी ने पूछा है कि हम बच्चे की लर्निंग को कैसे फास्ट करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे फोकस्ड करें, इससे रिलेटेड एक छोटी सी सजेशन और हम आप इससे डिस्कस करना चाहेंगे। क्योंकि जैसे आपने हमें सिखाया था कि जहां हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है हम उस पे अपने ऑडियो विजुअल और काइनेस्थेटिक सेंस के साथ में हम काम नहीं करते हैं, तो उसको एक बार डिटेल से आप भी समझिएगा किस तरह से हम अपने विजुअल्स को, कलर्स को स्ट्रॉन्ग करके बच्चों को हेल्प करें। वो तो पूरी की पूरी एक एनएलपी की एक्सरसाइजेज हैं कि कैसे आप बच्चों को मेमोरी टेक्निक सिखाएं, वो तो मुश्किल पड़ेगा। लेकिन बच्चा अगर लर्न नहीं कर रहा है, उसके कई और भी रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि आपने उसको तनाव बहुत दे रखा है। दूसरा हो सकता है कि आप अपने बच्चों के नेगेटिव ट्रिगर बने बैठे हो, यानी कि जैसे ही वो आपके साथ बैठता है तो वो तनाव महसूस करता है, या फिर क्लास में जाता है तो तनाव महसूस करता है। जब अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आप उनकी सेफ्टी नेट बने, आप उन्हें प्रेशर मत दे बिना मतलब। दूसरी बात है कि आप शुरू में ही बच्चों के साथ एक छोटा सा गेम खेलना शुरू करें बच्चों के साथ, कि जो वो पढ़ रहा है उसे कहें कि आंखें बंद करो और जो तुमने ये फॉर्मूला देखा है या स्पेलिंग देखी है या ABCD देखा है या ये डायग्राम देखा है, इसे आंखें बंद देखो, फिर आंखें बंद करके अपने मेंटल स्क्रीन पर देखो और बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप ये कला शुरू से करने लगेंगे तो बच्चे का विजुअल मोड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और हमारी अधिकांश स्टडी विजुअल मोड में होती है। उनमें से कुछ एक की पॉइंट निकाल लें कि ये मेन पॉइंट है। मान लेते हैं मैं अकबर की जीवनी याद कर रहा हूँ, अकबर के लाइफ के बारे में लिखना है बच्चे को, तो मैं कहूंगा अकबर वाज गाइडेड बाय बैराम खान, तो हंस के बच्चों को कह दो अच्छा बैराम खान से तो बाई याद आ गई, तो बाई देख लो, तो वो है उसे रिलेट कर जाएगा, बिकॉज हमारा माइंड हमेशा रिलेट करता है। ठीक है ना? कोई रात को अंधेरे में आपके घर के बाहर कोई खड़ा होगा तो शायद आप जब यदि उसको नहीं जानते हैं तो उसको उसके लिए दरवाजा नहीं खोलोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं जानते हैं। यदि वो आपको कोई नॉन रेफरेंस दे देता है कि आपके किसी रिलेटिव का या आपके किसी दोस्त का बच्चा है, तो फिर आप दरवाजा खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको अब जान चुके हैं। इन द सेम वे कि आप किसी भी वर्ड को अपनी किसी पुराने रेफरेंस, नॉन रेफरेंस के साथ अटैच करेंगे तो वो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगी। अब एक सवाल और आया सर, वो विकास जी कहते हैं कि आई एम वेरी एनर्जेटिक व्हेन आई स्टार्ट न्यू वर्क, बट आफ्टर सम टाइम वो जोश गायब हो जाता है, जो मेंटेन कैसे रखें उसको, कैसे उस एनर्जी लेवल को कंटिन्यू रखें? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप एक गोल को बनाते हैं उस दिन आपका इंस्पिरेशन या उसके दिन मोटिवेशन आपका हाई रहता है। सर, मैं अक्सर कहा करता हूं कि लोगों के जो मोटिवेशन के लेवल है वो तीन चार तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं 30 मिनट्स मोटिवेशन वाले लोग, हाँ एकदम से कहते हैं चलो करते हैं और वो एकदम से उछल भी जाते हैं, और थोड़ा सा काम करते हैं और 30 मिनट के बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। कुछ लोगों का मोटिवेशन 3 महीने को होता है और कुछ लोगों का 3 सालों का है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका 30 सालों का मोटिवेशन है तभी आपको सफलता मिलेगी। पहली तो बात यह है कि 3 महीने में और 3 सालों में अगर सफलता मिल जाया करती तो इस दुनिया में less than 1% लोग ही सफलता के जो मजा है उसको ना चखा करते। फिर कोई भी टॉम डिक हैरी एरा गहरा नत्थू गहरा उसे चख लिया करता। तो पहले तो ये तैयारी कर लें कि अगर आपको सचमुच में सफलता चाहिए तो आपको एक लंबी दौड़ लड़नी है, एक लंबी लड़ाई लड़नी है, और उस लंबाई लड़ाई को भी लड़ाई ना कहें बल्कि मैं तो ये कहूँ उसको भी लर्निंग करें।
आगे बात उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद हमारा मोटिवेशन गायब होने लगता है। वो गायब क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड के अंदर 70,000 थॉट डेली आते हैं, और एक थॉट आया था एक दिन थॉट आया था कि खूब मेहनत करनी है, बड़ा आदमी बनना है, और अचानक, ठीक है ना, और अचानक एक और थॉट आ गया एक हफ्ते बाद, ठीक है ना, और थॉट में यह आ रहा है क्या करेंगे, बड़ा आदमी बन गया, जो बड़ा नहीं बनता उसको भी उतना ही मजा आता है जिंदगी जीने में, या फिर आप ऐसा कुछ कर रहे थे कि अचानक आपको लगा क्या करेंगे बड़ा बन के, मजा तो इसमें भी बहुत है, और वो अचानक थॉट चला गया। तो असलियत में जो आपके मजे वाला, आई मीन आपके गोल बनाने वाला थॉट था, वो 70,000 थॉट में से ही कोई थॉट आया था और वो उसी भीड़ का हिस्सा था। इसे हिस्सा से अलग बनाने के लिए मैं आपको तरकीब बता सकता हूँ। अगर आप अपने लक्ष्य को बनाकर अगले एक हफ्ते के लिए लक्ष्य के लिए कोई काम ना करें, लेकिन एक काम कर लें, फिर अगले 30 साल आप कभी नहीं भटकेंगे। तो ये है कि अगर ये लक्ष्य जो मैंने बनाया है अगर ये पूरा हो जाए तो आने वाले फायदे क्या होंगे, और उन फायदों को दूर तक देखा करो, कभी मेरे फायदों को देखा करो, ठीक है ना। आज भी मैं अब तक सुबह मेरे विचार से 8:30 बजे मैंने 3 अपने नोट्स बनाकर किसी को भेज दिए थे 8:30 बजे से लेकर, उससे पहले योगा भी किया था और उससे पहले मैं सोकर भी उठा था, और अब तक मैंने अपने बाकी कामों को निपटाया है और 1 मिनट भी मैं अभी आराम भी नहीं किया है, और अब मैं आपका प्रोग्राम निपटाने के बाद दौड़ लगाने भी जाऊंगा, वॉकिंग भी करने जाऊंगा, और उसके बाद फिर काम करूंगा, क्योंकि मैं उन काम को निपटाने के बाद जो देखता हूँ लाइफ के 2.5 साल बाद 3 साल बाद मैं किन लोगों के साथ बैठा हूँ, किस तरह की लाइफ होगी, तो वो जो मैजिकल पिक्चर्स मेरे दिमाग के अंदर आती हैं वो मुझे प्रेरणा देती हैं। और अगर मैं चूक गया अपने गोल को अचीव करने में, चूक गया और बेकार की चीजों में समय सारा बर्बाद कर दिया, तो मैं उन चीज को भी देख रहा हूँ कि जो मजा आना था वो पेन में बदल जाएगा, और वो पेनफुल लाइफ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने यहाँ तक बचा कर लाया हूँ अपने आप को, तो आगे भी गड़बड़ ये रहती है कि लोग जो है इंस्टेंट सॉल्यूशन किल्स द लॉन्ग टर्म प्लेजर्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किल्स द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। बस एक लाइन अगर ये दुनिया हमें पढ़ा दे, MSc सिर्फ एक ही लाइन में करवा दे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किल्स द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्लेजर्स, हमें क्या करते हैं कि आप काम में लगे थे अपने गोल में कि अचानक आपके दोस्त ने कहा चलो यार आज पार्टी करते हैं, और आपके अंदर से एकदम से टेस्ट बदल गया जीव का, डांस करते हो खुद को देख रहे थे और आपने कहा हाँ करते हैं, बस अब रात की पार्टी भी करेंगे, अगले दिन हैंगओवर भी रहेगा या जो भी रहेगा, 2 दिन तो खराब हो गए, कल तक फिर एक नया थॉट आ जाएगा, यार व्हाट ए लाइफ इट वाज, क्या करेंगे, वो बड़ा गोल बना के हो गया काम, बस आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, ठीक है ना, जो ओशो जी कहते हैं ना कि बिल्ली मत पालना, पाल गई बिल्ली, बस अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगी। तो गड़बड़ ये होती है कि हम इंस्टेंट यानी कि इमीडिएट आने वाले प्लेजर्स में अपने जीवन को जीते हैं, और यही कारण है कि जितनी भी सिगरेट शराब पी जाती है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पूरा करती है, लेकिन जो दूर की सोच रखते हैं वो हमेशा डिफरेंटली जीते हैं। सर बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने डिटेल दिया। सर एक हमारे ऑडियंस हैं उड़ीसा से, जन्मजय प्रधान जी, ही वांट टू बी सर्टेन क्वेरीज डायरेक्टली, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार वो सवाल पूछेंगे। जन्मदेव जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार आप अपना सवाल रख सकते हैं प्लीज। सर माइसेल्फ जन्मदेव प्रधान फ्रॉम उड़ीसा सर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और सर मेरे कोरी सर कभी कभार सर जैसे मैं प्लानिंग करता मन मन में मैंने गुस्सा आ जाता सर, एंग्री, तो सर मैं कैसे कंट्रोल करूं सर, इसमें थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए सर। अनिल आप इनका मैसेज दोहरा देंगे। सर ये कह रहे हैं कि कई बार इनको गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो हाउ दे हैव टू बी कंट्रोल एट दैट इमोशन। बहुत बढ़िया है, 2 तरीके हैं, एक तो अकल आ जाए, या फिर आप एक काम करो ना, अपने से ताकतवर आदमी के ऊपर गुस्सा कर लो एक बार अकेले में, फिर आपको नहीं आएगा कभी। मैं आपको अब इसका तरीका बताता हूँ, ये तो मजाक की बात है, मैं मजाक भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं। देखो ऐसा है जन्मेजय, गुस्सा जब भी आपको आता है आपके कुछ बने हुए रूल हैं, और जब भी आपको लगता है कि उस रूल को लोगों ने तोड़ दिया है तो आपको गुस्सा आता है। आपने रूल बना रखा है, आपने क्या बना रखा, बचपन से आप गांव में रहते थे, रूल बन गया कि पत्नी को शांत भाव की होना चाहिए,
आपने यही पढ़ा था, पत्नी ने मान लेते जोर भाव से बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया। आपको सबने बता रखा है कि बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को होमवर्क करना चाहिए, और आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा तो आपको गुस्सा आएगा। मैं तो ये कहूँ क्यों करना चाहिए बच्चों को होमवर्क, बच्चों को तो खेलना चाहिए। रूल तो आपने बना रखे हैं ना गुस्से के, बेसिकली रूल तो आपने बना रखे हैं, और उन रूल को जब भी कोई तोड़ता है तो ऐसा लगता है कि आपने आपके ऊपर अटैक कर दिया। यानी कि इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लोइटेशन ऑफ द सेल्फ वैल्यूज, यानी कि मैंने अपने कुछ रूल बना रखे थे, लोगों ने उसे तोड़ दिया तो मुझे गुस्सा आएगा। तो पहला काम करें कि जहां पर भी गुस्सा आ रहा, देखो कि ये गुस्सा सचमुच में आपके अपने बनाए हुए रूल्स की वजह से आ रहा है कि सचमुच में गुस्से की बात है, ठीक है ना। तो दूसरी बात यह है कि अपने इंटरनल रूल को बदल लो, इंटरनल रूल को बदल लो, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर गुस्सा आपको बार बार एंग्जाइटी की वजह से आ रहा है तो एंग्जाइटी ठीक कर लो। अनिल जी, आपकी एंग्जाइटी या पैनिक अगर तो नहीं आता, पैनिक तो नहीं आता, पैल्पिटेशन तो नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह से आता है तो उसे ठीक कर लेना। वरना ये गुस्सा जब भी आता है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हायरार्की आपकी टूट जाती है, आपके मूल्यों को ऐसा लगता है किसी ने नुकसान पहुंचाया। और सबसे बढ़िया बात है, आप 10-15 बार मेंटल रिहर्सल करो कि वो आदमी गुस्सा कर रहा है आपका बॉस, और आप फिर भी मुस्कुरा रहे हो, बीबी आपका गुस्सा कर रही है मुस्कुरा रहे हो, आप बच्चे गुस्सा कर रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हो, पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हो आप मुस्कुरा रहे हो, इस तरह की मेंटल रिहर्सल कर लो, ठीक है ना। और दूसरी बात है, मेंटल रिहर्सल करते हुए इमेजिन करो कि वो जितना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं आपकी उतनी ज्यादा हंसी आ रही है, ठीक है ना, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। राइट राइट सर। एक हमारे उमेश जी हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं, अगर मैं उनको अनम्यूट करता हूं। उमेश जी को हेलो जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जैसे हम कई बार काफी कोशिश करते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट नहीं आए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो अनायासी आते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उमेश जी, सबसे पहले रूल है, आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और आपको पॉजिटिव आना चाहिए, ये आपकी समस्या है। मैं इसके पहले इसका रीजन बता देता हूँ। याद रखिएगा, हमारा माइंड एक बाघ की तरह है, हमारा माइंड एक बाघ की तरह है, जहां पर बाघ में एक जो मतलब का पौधा होता है उसे उगाने के लिए और बड़ा करने के लिए हमारे माली को बहुत मेहनत करनी होती है, और उसी बाग में बिना मतलब की चीजें अपने आप उगाती हैं। यही बिल्कुल हमारे माइंड के साथ होता है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे माइंड के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो अब आप माइंड के साथ लड़े नहीं। असलियत में माइंड की पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि आपने पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने वाले कुछ बहुत खास लक्ष्य या काम अपनी लाइफ में रखे भी नहीं है, सोचने का ही मौका नहीं मिलना चाहिए बाकी चीजों को। आप इतने बिजी होने चाहिए जीवन में, आप आज 10 गोल बनाएं, आज आप 10-15 गोल बनाएं और उन 15 गोल में से ऊपर के 3 या 4 गोल चूज कर लें, और उन गोल्स को दिल से लगाकर उनसे आने वाले प्लेजर्स क्या होंगे, नहीं हुआ तो पेन क्या होंगे, एक बार दिल में उन गोल्स को लगा लें, और आज से आपका कोई भी नेगेटिव को आप देखना, आप चौंक जाएंगे कि आप नेगेटिव थॉट को लाना शुरू करेंगे, लेकिन माइंड इमीडिएटली उन गोल को पूरा करने के लिए पॉजिटिव तरीके आपको बताना शुरू करेगा। असलियत में आपने माइंड को बेसिकली ट्रेंड नहीं किया। मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि जो माइंड की भाषा है NLP, वो हर एक घर में सबसे पहले सिखानी चाहिए। मैं लोगों से कहता हूँ कि अपने बच्चों को पहले 8-9 साल तक स्कूल ना भेजो, NLP सिखा दो, और अगले 8 साल में वो MSc कर लेगा और PhD भी कर लेगा, इतना पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमने जब माइंड को चलाना ही नहीं सीखा, तो माइंड में 70,000 थॉट आ रहे हैं, 70,000 में 60,000 तो नेगेटिव ही आ रहे हैं, और 10,000 का पता नहीं क्या आ रहे हैं, एक आध थॉट पॉजिटिव आता है। और इसीलिए याद रखिएगा कि जब आप आम आदमी आम इसलिए रहता है कि वो इन्हीं विचारों से बाहर नहीं आता, और इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके पास पॉजिटिव थॉट के लिए जो बड़े गोल होने चाहिए वो गोल बनाता ही नहीं। आम आदमी का गोल तो बनाने ही नहीं देता सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम, उसे हमेशा एक छोटा ही पैराडाइम रखते हैं। आज से आप सोचो ना कि आज से आप एक बहुत खूबसूरत किताब लिखेंगे, वो किताब आपके पड़पोते जब पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि हमारे दादा ने लिखी थी, और उस किताब में आप 10 टॉपिक लिखेंगे, खुश कैसे रहें, तंदुरुस्त कैसे रहें, रिश्ते अच्छे कैसे रखें, पैसा कैसे कमाएं, और सबको खुशियां कैसे बटें, ये 15 टॉपिक पर अब से तैयारी शुरू कर दो, और सोचो कि अगले एक साल बाद ये किताब लिखूंगा मैं, 125 पेज की, 2 साल तक तैयारी करो। आप
सोच ही नहीं सकते कि नेगेटिव थॉट आ जाए, और कल से ही ये गोल आज बना लो, कल से ही आपको किताब लिखने वाले राइटर मिल जाएंगे, कल से ही आपको बोर्ड दिखने शुरू हो जाएंगे, खुश कैसे रहें, कल से ही अखबारों में एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, अचानक आप मोबाइल खोलोगे तो मोबाइल में वही यूट्यूब की वीडियो खुलेगी, खुश कैसे रहें, और आप अपने कंटेंट तैयार करना शुरू कर दोगे। और जब कुछ करने को नहीं है, जब कुछ करने को नहीं है तो फिर खरपतवार ही उगेगी हमारे जीवन में। सर ने बताया कि जैसा कि सर हमें अमूमन ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में बताते हैं कि हमारा माइंड जिस तरह से थॉट्स को जनरेट करता है उसके पीछे जैसा बीज आप डालोगे उसी तरह का आपका प्रोडक्शन आएगा। उसको जमीन से सर ने कंपेयर किया है कि जब भी आप जमीन से उसको कंपेयर करते हो तो आप पाते हो कि जिस तरह से जमीन को आप प्रोडक्टिव बीज नहीं दोगे तो वो प्रोडक्टिव क्रॉप नहीं उगाएगा, यदि आप उसको नहीं दोगे तो अनवांटेड खरपतवार वहां पे आती जाएगी। इसी तरह यदि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स नहीं दोगे तो अनवांटेड थॉट्स उसमें ऑटोमेटिक जनरेट होते जाएंगे, तो इसलिए हमेशा उसको पॉजिटिव चीजें दीजिए ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आप ले पाए। सर अगला सवाल संजीव हथरस जी पूछना चाहता हूँ और इनका सवाल मैं एक बार लेता हूँ, अनम्यूट करता हूँ। सर वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, और रवि जी को भी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला मेरा ग्रेटिट्यूड सर, आज के सेशन में पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, नाम काफी सुना है, इतनी ही उम्मीद है कि अभी बहुत लंबे अरसे तक जुड़े रहेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि ये मेंटल रिहर्सल जो है दिन में कितने बार इसको करने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, आपने सारा सार ले लिया है। दिन में मैं तो ये कह रहा हूं कि अर्जुन से जब पूछा, उनके गुरु ने सामने चिड़िया थी और उन्होंने कहा क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा जिस चिड़िया की आंख, ठीक है ना, ना पर दिखाई दे रहे हैं ना पैर दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब है जितनी बार आपके पास समय है, नहाते हुए, सोते हुए, खाना खाते हुए, इस वक्त भी, जब तक आप मेंटल रिहर्सल करते रहें और अपने अंदर एक झंझावात पूरा खड़ा कर दें, अपने अंदर पॉजिटिव ज्वालामुखी चला दें कि मेरे पास आने वाले क्या क्या प्लेजर्स होंगे, किस तरह के लोग होंगे, सोचिए कि आज आप एक गोल बनाए और मैं आपको एक पिक्चर बना दूं कि अगले 3 साल बाद आप PMO में बैठे हो, प्रधानमंत्री आपके साथ कह रहे हो कि मेरी आप कोर टीम में है, सुनिए उन शब्दों को, देखिए सामने का चेहरा कैसा होगा प्रधानमंत्री का, उन शब्दों को सुनिएगा, चाय को समय पीजिएगा, कॉफी को पीजिएगा और सोचिएगा कि आप एक कोर टीम में हैं और अब आप क्या क्या सलाह दे रहे होंगे, किस तरह से आप आने वाली जनरेशन की लाइफ को बदल रहे होंगे, 5 साल बाद आप दुनिया के किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठे होंगे, आपके पास हजारों चाहने वाले होंगे, सोचिए तो सही एक बार कितनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर बन सकती है और ये पिक्चर कितनी बार बन सकती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब सुबह ही आप उठे, सुबह जैसे आप आपकी आंख खुले, आप 3 दिन ऑटोमेटिकली कर लीजिएगा, 3 दिन के बाद ये अपने आप चलता रहेगा। आंख कल खुल गई, आप चुपचाप लेटे हुए शवासन में जाइए और एकदम से पहले आंख खुलते शव आसन में जाइए, या फिर अभी याद ना आए तो जैसे आप आंख खुले तो ऊपर लिख लीजिएगा कि मेरा उठने का रिचुअल क्या है, फिर दोबारा लेट जाइएगा और अगले 3 से 5 मिनट तक आप अपने गोल्स को आंख खुलते हुए, आंख खुले आप जाग गए हैं, फिर आप आंखें बंद कर गए, शव आसन में लेट गए चुपचाप, किसी को पता भी नहीं कि अभी आप उठे हैं, और अगले 5 मिनट मेंटल रिहर्सल करें और एक बार सोते हुए कर लें, और दिन में करें या ना करें लेकिन सुबह उठते ही 3 दिन तक तो आपको ये कॉन्शियसली याद करना पड़ेगा, अलार्म रख लो, सामने कुछ लिख लो और 3 दिन के बाद तो आप खुलते ही माइंड ऑटोमेटिकली आपके फ्यूचर को डेवलप करेगा, और अभी आपकी बाकी ये जितनी भी है आपके बच्चों की और आपके बच्चों के बच्चों की लाइफ में क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं उन्हें आज से देखना शुरू करें, अपने आप को एक सेलिब्रिटी के सुबह रात को सोएं तो इस थॉट के साथ सोएं और सुबह उठते से करें, और अगर बीच में आपने एक नैप ले ली है, पावर नैप ले ली है जिसको आप योग निद्रा कहते हैं, मेरे योग निद्रा आने वाली है बहुत सारी, यूट्यूब पर सब लोगों को मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल बता देंगे अनिल जी, उस योग निद्रा में जाकर आप अपने लक्ष्य को बार बार देखें, मेंटल रिहर्सल तो की है सर, मेंटल रिहर्सल एक हफ्ता कर लेना, 7 जन्म ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल मानता हूँ सर, इसलिए सिर्फ इतना यही सवाल था। और दूसरी बात, सब कुछ कितने भी हम लोग गोल्स कर ले या कुछ भी कर ले, अभी मैं प्रेजेंट कंडीशन में मैं एक ही चीज के शिकार बार बार हो रहा हूँ, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ जॉब अनसर्टेनिटी इन द लाइफ,
फाइनेंशियल इश्यूज, इन चीजों को ओवरकम करने का, और एक ये लास्ट सवाल है मेरा, ये सिंपल सी बात है। आपका शुभ नाम? संजीव हिरेमठ। संजीव याद रखिएगा, वन ऑफ माय मेंटर्स, मेरे एक मेंटर कहा करते थे कि जब भी आप लक्ष्य की तरफ चलें, की तरफ चलेंगे आप नहीं चल पाएंगे, थोड़े दिन चलेंगे रुक जाएंगे, असलियत में लक्ष्य आपको अपनी तरफ खींचता है। जब प्रोक्रेस्टिनेशन आप कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस गोल को, उस लक्ष्य को अभी आप प्रयास से कर रहे हो, आपकी जर्नी प्रयास रहित होती है। जैसे एक बच्चा ऑटोमेटिकली बढ़ता है, प्रयास नहीं करता, एक पौधा ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ये पौधा अपने आप बढ़ रहा है, बिल्कुल, ये प्रयास नहीं कर रहा, नदी अपने आप बढ़ती है, बहती है, वो प्रयास नहीं करती। अगर वो प्रयास करेगी तो फिर तो वो नदी नहीं है, फिर तो वो पौधा ही नहीं है। तो याद रखिएगा, अभी आपका जो गोल है, बेसिकली लॉ ऑफ सक्सेस जो जिसके राइटर है नेपोलियन हिल, उन्होंने एक बात कही है कि कोई भी आदमी आलसी नहीं होता, असलियत में उसके गोल, उसके लक्ष्य उस वक्त के आलसी होते हैं। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ, मान लेते हैं इस वक्त आप कह रहे हैं कि आप आईपीएल देख रहे हो, अंतिम ओवर चल रहा है, 3 बॉल बची हैं, और आपकी जो फेवरेट टीम के 2 बैट्समैन वहां पर, आई मीन धोनी साहब और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, और 3 बॉल बची हैं और 12 रन बनाने, या तो 2 छक्के लगने चाहिए या 3 चौके लगने चाहिए, और आपके दिल की धड़कन रुकी हुई है, आपको मजा आ रहा है, बीवी कह रही है सुनो मेरी बात, आप कहते चुप रहो, चाय पियोगे रे चुप रहो, लेकिन आप अपने मजे में खोए हुए हो कि अचानक आपके आपको आपके बच्चा रोता है, वो कहता है पापा मेरा हाथ जल गया, आग पर आ गया, तो क्या अब आप इन 3 बॉल को देखेंगे कि एकदम से तेजी से खड़े होकर अपने बच्चे की तरफ दौड़ेंगे? निश्चित रूप से अब आपका जो आनंद है यहाँ नहीं रहा, अब आप अपने बच्चे को हील करने के लिए, डॉक्टर के ले जाने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये लक्ष्य जो बच्चे की खुशी और दुख है वो आपकी गहराई में पड़ा हुआ है। जब भी आपका लक्ष्य गहराई में पड़ा होगा आप किसी और चीज को देखेंगे नहीं। मैं आपको यकीन नहीं, मैं यकीन बता रहा हूँ, पिछले 3 सालों से मुझे यही नहीं पता है, विराट कोहली और धोनी के अलावा हमारी टीम में जो नाम आते हैं इनको मैं पहचान नहीं सकता, और मैं वही आदमी था कि एक 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 प्लेयर की सारी जन्मपत्री मेरे से ले लो कि इसने कहा कब कितने को वो बनाए थे, क्योंकि वंस योर आई मीन गोल इज सेट तो इट गिव्स यू डिफरेंट पैराडाइम, गिव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सर, बहुत इंटेंसिटी ऑफ योर गोल डिफाइंस योर प्रोक्रेस्टिनेशन। जो आपकी तीव्रता है लक्ष्य की, वही आपके कल के ऊपर टालने की तीव्रता को निर्भर करता है। बराबर है, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने डिटेल में समझाया कि किस तरह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप उस चीज के लिए अपने गोल से डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि उसके पीछे आपकी इमोशंस अटैच नहीं होती, जब उसका इंटेंशन उसके साथ अटैच नहीं होता इसलिए आप वो चीजें नहीं कर पाते। ये सर एक 2 सवाल और हैं जो बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं। एक परवीर जी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से कटिहार से जुड़े हुए हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सर मैंने आपका अनम्यूट किया है, एक बार आप कोशिश कीजिएगा सवाल रखने का। सर मेरा सवाल है कि अगर कोई दूसरा आदमी गलती करता है, चाहे वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो, तो हमें काफी गुस्सा, हमें वो बार बार याद आता रहता है, उसे कैसे भूला जा सकता है? आप अनिल जी दोहराएंगे सवाल? सर इन्होंने कहा है कि जब भी कोई भी गलती करता है, चाहे उसका फ्रेंड हो चाहे एनिमी हो, लेकिन जो गलती करता है तो वो बार बार आकर के मतलब पास पेनफुल मोमेंट की तरह उनको बार 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 तकलीफ देती रहती है, तो उससे रिलेटेड कंटेंट है। हाँ, मैं आपको एक एनएलपी की छोटी सी टेक्निक बता देता हूँ। पुराने जमाने में एक कहावत होती है, अभी भी होती है, आपके बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। अब आपको करना क्या है कि वो जो मेमोरी आपको तंग करती है या वो लोगों के चेहरे जो आपको बार बार याद आते हैं, आप उसे अपने सामने लाकर इमेजिन करो कि वो एक स्नैपशॉट की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, और अब आप इमेजिन करो कि वो जो स्नैपशॉट है, वो जो फोटोग्राफ है, वो उड़ते हुए पीछे आपके 100 किलोमीटर पीछे एक पुराना खंडर है, उस खंडर में जाकर वो मेमोरी का जो स्नैपशॉट है वो गायब हो गया है और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ गई। 3-4 बार इसे कर लेना, वो आवाजें भी नहीं सुनाई देंगी, नहीं वो पिक्चर दिखाई देगी। ये हमारे माइंड की, इसको हम सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं, किसी भी मेमोरी को भूलने में ये बहुत हेल्प करती है। राइट,
बहुत बढ़िया तरीके सर ने समझा दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली आप इसका अगर एक्सरसाइज करोगे तो आप उसको बेहतर रिजल्ट पाओगे। और ज़्यादा डिटेल्स में आप मेरी सेमिनार्स या वेबिनार्स में ज्वाइन कर सकते हैं, आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। सो राय हैं नेचर वैली के नाम से हैं, शी इज इन टीचर इन दिल्ली, और वो आपसे एक सवाल लेना चाहती हैं। एक सवाल उनका भी ले लीजिएगा, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो जी बोले। हेलो नमस्कार सर, सरिता शौकीन जी। सरिता बोले जी। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे बहुत करीब लोग हैं, जिनके मैं बहुत क्लोज हूँ, उन लोगों की बातें मुझे बहुत जल्दी हर्ट कर जाती हैं, और उस हर्ट की वजह से मैं जितना आगे बढ़ती हूँ उतना ही मैं पीछे आ जाती हूँ। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ, फिर मुझे कुछ हर्ट होता है और मैं फिर पीछे आ जाती हूँ, और ये मतलब पैटर्न बना हुआ है, बार बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। सरिता, जिसमें दो लोग, इसमें दो लोग हैं, दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं, एक हर्ट होने वाला और एक हर्ट करने वाला। जी, हर्ट करने वाले को आपके रिजल्ट का पता है, वो पहले से ही पता है उनको, ये गेम पूरी तरह से एक तरह से प्री ये साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है आपकी लाइफ में। हर्ट करने वाले जानते हैं कि आप रेस्पोंड करोगी, और हर्ट आप जब रेस्पोंड करते हो तो वो उसी पैटर्न को वो पूरी तरह से रिपीट करते हैं। खास लोग हैं, बिल्कुल उनको खास रखिएगा, लेकिन आप अपनी जब भी आप हर्ट हो रहे हैं तो आपके अंदर आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो हर बार कट रही है, वो अनवर्दी की नेस की तरफ जा रही है। आइए, आपका ये आपका पूरी तरह से ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको अपना सिग्निफिकेंट व्यक्ति रखते हुए उनको कम्युनिकेट करें कि आपकी ये बातें मैं नहीं चलेगी, और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपना रिश्ता तोड़ें, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप अपने चारों तरफ एक ऐसा इमोशनल ओरा या प्रोटेक्शन लगाएं कि अब आप उन्हें मान लें कि ये ऐसी बातें करेंगे, और मेंटल रिहर्सल करें कि ये इससे भी ज़्यादा आपको हर्ट करेंगे, लेकिन आप अपने सेल्फ लव को, सेल्फ एस्टीम को, अपनी वर्दीनेस को और अपनी रेस्पेक्ट को किसी के ना तो अप्रिशिएशन से जोड़ेंगी ना ही किसी की गाली से, आप इनसे अलग रहना सीखिएगा, और यही आपका सबसे बड़ा विजडम है लाइफ में। वो लोग अदरवाइज लोग क्या करेंगे, उन्हें मालूम है कि हर्ट कौन होता है और वो उसी के साथ गेम खेलते हैं, तो आप भी उस गेम का पार्ट उतना ही जिम्मेदार है, ठीक है ना जी सर। याद रखिएगा, तीन बार की जिम्मेदारी, तीन बार होता ही है, पहली बार उन्होंने हर्ट किया, आपने उसे देख लिया, दूसरी बार हर्ट किया, समझा दिया, तीसरी बार आप नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन आपने अंदर एक अपने इंसुलेशन क्रिएट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे अलग हो, लेकिन इनसाइड योर ब्रेन यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एक छोटा सा डिसोसिएशन क्रिएट करिए कि ये आदमी अगर ऐसा बोल रहा है और ये बोलता ही रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज मैं इसी के साथ इसी चीज पर आप रेस्पोंड करेंगे तो फिर अपनी लाइफ कब जिएंगी, एंड लाइफ इज वेरी शॉर्ट है इसके लिए कि जो मैं मेंटल एक्सरसाइज कर। जी, सिंपल सी बात है, कोई आपको हर्ट आपकी कंसेंट के बगैर नहीं कर सकता, वो शब्द आपको बोल सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन शब्दों को आप इंटरनलाइज करें। दूसरी बात, जो लोग आप कह रहे हैं कि वो आपके बहुत खास हैं, तो फिर वो खास हैं कहां, अगर वो आपको बार बार हर्ट करके वहीं ले आते हैं, तो फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। मैं तो इतना ही यहां से कह सकता हूं, आप कुछ भी करें लेकिन आप अपनी सेल्फ वर्थ को बचाए रखें सर, उस प्रोटेक्शन, सॉरी, आप अपने उन शब्दों को म्यूट करें, आप उनको कम्युनिकेट करें अपनी बातें, आप अपनी सेल्फ वर्थ को बचाएं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है जी। थैंक यू सर। किसी ने पूछा है कि सुसाइडल टेंडेंसी किसी की हो, भाई सुसाइडल टेंडेंसी कुछ नहीं होती, वो आदमी सुसाइडल क्या टेंडेंसी क्या होती है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, सभी लोग सुन लीजिएगा क्योंकि ये सुसाइडल बहुत चल रहा है आजकल। सुसाइडल थॉट का मतलब ये है, सुसाइडल टेंडेंसी का मतलब ये है कि जब आपके माइंड के अंदर एक थॉट आ गया कि अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, और उस समय आपके 80 बिलियन न्यूरॉन एक ही बात मान रहे हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, और उनकी इस बात को आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस भी मान लेती है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो फिर माइंड हमेशा, जब भी आपका माइंड किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है तो आपका माइंड आपको बचा भी लेता है,
आपने कई बार देखा होगा कि आप सपने में जब आपको चोट पहुंचनी होती है तो आपकी आंख खुल जाती है। जब भी आपको लगता है सपने में कि कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई आपको मारने वाला है, आप गिरने वाले हो, तो ब्रेन आपका आंखें खोल देता है। पता है क्यों ऐसा करता है? ब्रेन आपको हमेशा बचाना चाहता है। तो फिर वो मारता क्यों है ब्रेन? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब भी हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से घर कर जाती है कि जहां से निकलना, हमारा माइंड ये मान लेता है कि अब मेरे पास कोई भी निकलने के लिए विंडो बाकी नहीं है। जब भी मेरे पास ये खबर आ जाएगी माइंड के पास कि अब मेरे पास बचने की कोई भी विंडो बाकी नहीं है, उस वक्त मेरा माइंड पूरी तरह से एक लास्ट रेस्क्यूअर को पुकारता है, लास्ट शरण देने वाले को पुकारता है। और वो लास्ट जो हमारा शरण दाता होता है उसका नाम होता है सुसाइड। माइंड कहता है अभी भी मेरे पास एक चीज है बचाने की और वो है सुसाइड, जबकि है वो मरना, पर वो सुसाइड को रेस्क्यू मान लेता है, वो बगैर पेन के सुसाइड कर लेता है। इसलिए जीवन में एक ही बात है, सरिता जी आपके लिए भी है, बाकी लोगों के लिए भी है, कि जीवन में कभी भी ये मत सोचो कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जब भी सारे रास्ते बंद हो गए ये दिमाग में आ जाए, समझ लीजिए विंडो कोई ना कोई अभी भी बाकी है यहाँ से निकलने के लिए जी। कोई भी किला ऐसा नहीं है जिसे नहीं तोड़ा जा सकता। मेरे फ्रेंड मुझे बताया करते थे जब मैं उनके साथ बैठा करता था कि पांचवी फ्लोर पर आप हो और आग लग गई है बिल्डिंग में, और आपको पता है कि अब आप नहीं जा सकते, आपको लगता है कि आपका आपकी स्टेयर्स भी बंद हो चुकी हैं, आपको लगता है कि अब सिर्फ यहीं जलकर मरा जाएगा, नहीं अभी भी सीवर पाइपलाइन हो सकती है, कहीं उससे नीचे उतरिए, हो सकता है कि कोई तरीका निकाले, उद्योग लोगों को चिल्लाइए, कोई रेस्क्यू मिलेगा। लेकिन हम ये मान लेते हैं कई बार कि अब ये फाइनल आ चुका है और हम सुसाइडल थॉट इसी को कहते हैं, यानी कि हमारा माइंड ही हमें बताता है यार लेट अस डाई, चलो मर ही जाते हैं इससे तो अच्छा। और ये थॉट बेसिकली मार ही देता है। अगर वो आदमी सुसाइड ना करता, वो एक्टर सुसाइड ना करता, तो मैं बता रहा हूँ वो बहुत जल्दी ऐसी बीमारी को पाल लेता है जिस जो मौत की तरफ ले जाती है। ये बहुत नेचुरल है, यद्यपि मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा कोई ना हो किसी के साथ, लेकिन जब आपने खुद को ये कह दिया कि लेट अस डाई, तो आपका माइंड फिर आपको हेल्प करता है, आपका माइंड कहता है कि लेट अस फाइंड द वेज टू किल यू। और याद रखिएगा, ये पाया गया है कि जिन लोगों को कैंसर होता है उनमें से 80% वो लोग हैं जो अपने आप को अनवर्दी मानने लगते हैं किसी बड़े लॉस के कारण, किसी बड़े नुकसान के कारण, चाहे वो इमोशनल नुकसान हो, चाहे वो कोई रिश्ते का नुकसान हो, चाहे वो कोई और नुकसान हो। उन्होंने जब ये मान लिया कि ये नुकसान अब मेरे लिए बहुत ज्यादा है, वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर ने एक बार डिस्क्राइब कर दिया पूरे कॉन्सेप्ट को। और एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा रुपेंद्र से। आखिरी सर, सर बिल्कुल आखिरी अगली बार। रुपेंद्र जयपुर से जुड़े हुए हैं और एक बार इनके सवाल ले लेते हैं। रुपेंद्र जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सर से सवाल। लास्ट 5 साल से मैं स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ 10वीं 12वीं क्लास को, और जिस दिन मैं पढ़ाना जाता हूँ उससे एक दिन पहले मैं कैसे वैसे ही करके टॉपिक को तैयार करके पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है सर, तैयारी नहीं करता। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैंने जैसे मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ, हालांकि मैं एमकॉम से हूँ लेकिन इंग्लिश टीचिंग करवा रहा हूँ 5 साल से। अब प्रॉब्लम ये है सर कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी बुक और गाइड इकट्ठी कर रखी है, और मैं आपको बताता हूँ सर यदि ये विजिबल है क्या आपके लिए? शॉर्ट में बोले, हाँ विजिबल है क्या? हाँ सर विजिबल है, ये विजिबल है, आप देख रहे हैं सर। सवाल रखिए, ये इनमें से मैं किसी रुपेंद्र सवाल मैं किसी इनमें से किसी मैं इनमें से किसी एक किताब के 10 पेज भी आज तक नहीं पढ़ पाया हूँ बैठ के। पता नहीं मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा है, मैं फ्री हूँ पूरा तो भी मैं किताबें पढ़ने मेरे पास टाइम नहीं निकाल रहा। मैं कैसे करूँ माइंड को सेट कि मैं पढ़ाई के और बढ़ जाऊँ? आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपकी यूट्यूब पर कितनी वीडियो चढ़ाई अभी तक? अभी हमारे जो है इंस्पायरेशन सर ने दी है, हमारे सर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, अनिल सर मेरे जो हैं एज ए मेंटर मेरे गुरु, अभी अभी ही मेरे को लेके आए। मैं पूरा नॉन टेक्निकल हूँ, मेरा एजिटेशन बहुत ज्यादा है, मैं डर रहा था ऑनलाइन से, सर ने बहुत कुछ मुझे दिया है, अब सर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। चलिए सवाल सवाल आप सर देखिएगा, आप
एक ओसीडी में आप एक ऑब्सेसिव बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं और वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, डिलेइंग है, और आप इसे जल्दी से बेसिकली जैसे ही आप कहते हैं कि लास्ट डे को ही तो मैं तैयारी करता हूँ, ऐसे ही होता होगा, ट्रेन पकड़ने में भी ऐसे ही होता होगा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ही पहुंचना है। और आप बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने ये मुझे बता दिया कि अनिल जी आपके गुरु हैं, तो फिर अब आप जल्दी निकल जाएंगे, आप उनकी बात समझिएगा। अनिल जी, इनको ओसीडी ऑब्सेसिव बिहेवियर है ये, और ये एंग्जाइटी के कारण है, इनको एंग्जाइटी बढ़ जाती है, जैसे ये कोई भी काम करते हैं इन्हें वो काम बर्डन की तरह दिखाई देता है, क्योंकि काम करना ही करना है तो लास्ट मोमेंट ये करते हैं और लास्ट मोमेंट पर ही करके किसी तरह से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इतनी किताबें रखी अब तक तो ये कई लाख रुपए कमाते हैं इंग्लिश की वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर, लेकिन ये बेसिकली एंग्जाइटी को और बर्डन को महसूस करते हैं काम को निपटाने में, और काम को डिले करने में इनको आनंद आता है या फिर रिलैक्स महसूस करते हैं, और उसमें इनके टाइम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि घंटों तक इनएक्टिव यानी कि पैरालिटिक स्टेट में पड़े रहते हैं, और यही इनके अंदर की इंटरनल थॉट बहुत चल रहे हैं कि कल कर लूंगा, थोड़ी बार नहीं होगा, क्या करूं क्या ना करूं, इस थॉट को ठीक करवा दीजिएगा, और इनको स्विच करके अच्छी सी इनकी पिक्चर मेंटल इनकी रिहर्सल करवाइएगा, और इनको जो एंग्जाइटी आ रही है बर्डन सम की उस एंग्जाइटी को धुलवा दीजिएगा फाउंटेन से, तो ये निकल जाएंगे। और इनको कहिएगा कि पहला रूल, इनको लास्ट रूल बता रहा हूँ इनका, पहला और अंतिम इनके लिए रूल है, इनसे कहिए कि आपको सारी किताब नहीं पढ़नी है, आपको रोजाना 10 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट पढ़ना है, 1 मिनट पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है, या एक लाइन पढ़नी है, और एक लाइन पढ़नी है, एक से ज्यादा मत बनाओ, बस एक ही पढ़नी है, जब एक पढ़ेंगे तो दो भी पढ़ेंगे, लेकिन आपका होगा एक पढ़नी है, दो भले ही पढ़ लो लेकिन एक तो पढ़नी पड़नी, यानी कि कमिट स्मॉल बट ओनर फुल्ली, तो कमिट स्मॉलेस्ट पर ले आओ इनको 20 दिन के लिए, छोटा छोटा काम करवाइए तो ये पूरा कर लेंगे, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, 20 साल बाद भी यही कहेंगे मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, ज्ञानी मैं बहुत हूँ, बाकी खड़ा वही हूँ। सर सही बात है, बहुत बढ़िया। सर ने बताया रुपेंद्र आपको कि हमारे सर अमून बताते हैं कि हाउ कैन ई बुक, लिसन टू मी रुपेंद्र जी, एक लाइन और, हाउ टू रीड अ बुक, हाउ टू रीड अ बुक रुपेंद्र जी, सिंपल है, आपको किताब नहीं पढ़नी है, आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है बस, बात करता हूँ, किताब अपने आप हो जाएगी, ठीक। हम जब ट्रेनिंग करते थे तो राम सर ने हमें अमूमन बताया था कि हाउ कैन यू ईट एन एलिफेंट पीस बाय पीस, तो वो चीजें आज आपके लिए भी वही चीज लागू है कि जब आप कोई बड़ा करना चाहते हैं तो पूरा एलिफेंट एक दिन खाने के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ समय चलने के बाद में आप खुद बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आप में कंसिस्टेंसी रहेगी, रेगुलरिटी रहेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा खा के भी एक दिन पूरा फिनिश कर पाओगे। तो ये सब चीज आज सर ने हमारे साथ शेयर की। सर ये मेरे पार्टिसिपेंट्स थे सभी, और सभी को आपने समय दे करके मेरे को कृतज्ञ किया, और इन सब के लिए आज ये एक मेमोरेबल डे है, जो कुछ आज ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह इग्नाइट करते हैं, किस तरह अपने आप को और बेहतर तरीके से अपने गोल्स के साथ में एसोसिएट करते हैं, और अपने माइंड को इमोशनल और अपना मेंटल दोनों को बैलेंस करते हुए अपने जीवन में खुशियां, समृद्धि और सक्षमता लेके आते हैं। इसके लिए मैं आप या हमारी टीम, पूरी टीम की तरफ से, पूरे पार्टिसिपेंट की तरफ से, मैं राम सर का एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के अपने इस अमूल्य समय में से जो मेरे को 45 मिनट्स दिए थे सिर्फ, और उसके जस्ट डबल सर ने हमें टाइम दे दिया, तो ये मेरे पार्टिसिपेंट्स का सौभाग्य है कि उन्होंने जो भी सवाल पूछे वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हुए। हाँ सर, और मैं अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड से कहना चाहूंगा, सर का यूट्यूब चैनल है राम वर्मा के नाम से, आप उस यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, देखिएगा, वहां पे अल्टीमेट वीडियोस हैं पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, चाहे आपके गोल से रिलेटेड हो, चाहे बिलीफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी सेल्फ इमेज से रिलेटेड हो, तो जो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनको मैं एक बार रिडायरेक्ट करना चाहूंगा कि वहां पे जाएं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और वहां पर जाकर के भी आप सर से रेगुलरली कनेक्टेड रह सकते हैं। सर की कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट होके वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, लाइव वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्स आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ, इसी तरह सर की वर्कशॉप्स होती थी पहले ऑफलाइन, अब सर ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको अवसर मिलता है तो कीप देम कनेक्टेड, और जो चीजें आप इनसे सीख लोगे भाई, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 10 साल में 2008 में मैंने पहली किताब पढ़ी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, इंडोमिटेबल स्पिरिट, जिसमें लिखा था हाउ कैन यू मेक सच how can you make education system as such कि we can remain the smile on face of our kids, उस किताब ने, उस संगत ने, उस लाइन ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है,
तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है राम सर का, जो मुझे आज जिस स्टेज पे हूँ उसमें पहुंचाने में। तो आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, अपने माइंड को जब कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो एक बार फिर राम सर का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया हमारे ज्वाइन करने के लिए। और आप अपना आर यू ऑडिबल? हेलो अनिल सर, कैन यू हियर मी? हाँ, प्लीज 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 करिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है जो सर पहले पेरेंटिंग के लिए भी बता रहे थे कि अगर हम रात में सोने के पहले प्रॉपर अफर्मेशंस करते हैं तो उसका काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, स्पेशली फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन। लाइक आई हैव अ 6-year-old चाइल्ड, राइट, मैं उसको रात में सोने के पहले प्रेयर कराती हूँ। ही चैंट गायत्री मंत्र और देन ही सेज गॉड प्लीज ब्लेस मी विद अ हेल्दी माइंड बॉडी एंड सोल। तो ये तो बहुत ही बहुत बड़े रूप में वो कुछ ब्लेसिंग्स या प्रेयर कर रहे हैं। अगर बहुत ही क्रिस्प है, जैसे मुझे मालूम है कि जो एज है उस एज के हिसाब से उसका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जो भी कारण है, तो इसके लिए कोई क्रिस्प अफर्मेशंस होने चाहिए कि आई हैव अ हेल्दी एंड साउंड एंड परफेक्ट माइंड और यू नो लाइक एकेडमिकली आई एम डूइंग वेरी गुड, आई हैव अ स्ट्रांग बॉडी, समथिंग जो बिल्कुल क्रिस्प हो। तो क्या होना चाहिए बच्चा अगर रात में सोने से पहले? हाँ नहीं, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। और एक ना वीडियो शायद मेरे YouTube चैनल पे पड़ी होगी, आप उसको अगर देखोगे तो, आप हमें बच्चों के लिए उसमें क्या है कि आप ये चीजें दे सकते हो। पहला तो ये कि आपको बच्चा ये फील करे, बच्चे को ये बताया जाए कि योर मॉम लव यू, योर फादर लव यू एंड दे प्राउड ऑफ यू। तो इस तरह की जो चीजें देते हो तो उसकी सेल्फ इमेज ग्रो होगी, ठीक है। okay, इसी तरह से जो उस बच्चे के लेवल का ही कंटेंट आपको देना है। हर व्यक्ति का जो माइंड है, जब हम और आप अगर अफर्मेशन ले रहे होंगे तो हम गोल से रिलेटेड ले रहे होंगे, जबकि जब बेबी से रिलेटेड आप अफर्मेशन ले रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर इमोशन से रिलेटेड ले रहे होंगे कि भाई बच्चा किस तरह फील कर रहा है, बच्चे अपने अपने अंदर फील कर रहा है हेल्दी एनर्जेटिक एंड लविंग चाइल्ड, मैं पेरेंट्स मेरे पे प्राउड कर रहे हैं, मम्मा मेरे को लव करती है, पापा मेरे को लव करते हैं, हर कोई मुझे मेरे साथ एसोसिएट होता है। तो इस तरह से आप उन चीजों को अफर्मेशन दे सकते हो। और इसको ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप रिकॉर्डेड कर लेते हैं ना, एक दो मिनट का, तीन मिनट का, और जब बच्चा सोने लगता है, जस्ट वो नींद की अवस्था में आ जाता है, उस वक्त उसको सुनाते हैं। तो वो क्या है कि जब वो उसका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जागू रहता है, तो उस वक्त आप उनको ये चीजें शेयर कर सकते हो, ठीक है। राम सर ने कहा कि हमको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म नहीं देखें, आज से 20 साल बाद क्या करना है, आज से 10 साल बाद क्या करना है, ये हमें करना है कि शॉर्ट टर्म की मुझे कल क्या करना है या अगले महीने क्या करना है। देखिए, जब आप पहले लॉन्ग टर्म बनाते हो तो उसी के चंक्स में शॉर्ट टर्म बनते हैं। आपने दिया तो बच्चे का विजन है, अगर उसने एरोनॉटिक स्पेस में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको आज से ही ये चीजें लेके चलोगे, बेटा अपना ये टास्क इस तरह से करोगे तो आप एरोनॉटिक स्पेस में जाओगे, उसको बार बार याद दिलाओगे आप लॉन्ग टर्म का गोल, जो उसके जाने और अनजाने में उसके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बढ़ जाएगा और उसको वो गोल दिखाई देने लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप रीफ्रेम कर सकते हो बच्चे के माइंड को जैसे आप चाहो इनिशियल स्टेज में। तो आपको ये डिसाइड करना होगा, लॉन्ग टर्म गोल आप लेके चलिएगा और लॉन्ग टर्म गोल को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिएगा कि इस एज पे इसको क्या चाहिए, क्या ये करे तो ये चीजें पाएगा वो। तो यहाँ पर हमारी फ्रेमिंग काम आती है और अफर्मेशन आप उसी हिसाब से डिजाइन कीजिए जो बच्चे के लिए रिलेटिविटी रहे और आप जो चाहते हैं जिस कंटेंट पे रिलेटेड है। तो पूरे पहले 20 साल का बनाया तो 20 साल का बना करके उसको छोटे चंक्स में डालिए कि इस साल उसको क्या करना होगा। तो सर, जैसे छोटे में भी अगर हम कर रहे हैं तो हमको उसकी मेंटल ग्रोथ भी चाहिए, हमको फिजिकल ग्रोथ भी चाहिए, हमको सोशल भी चाहिए, तो एक अफर्मेशन होना चाहिए जो बिल्कुल क्रिस्प हो, जो बिल्कुल क्लियर कर रहा है रात पे, जो मैं कॉल करूं। मैं आपके पास एक YouTube पे इससे कंटेंट बना करके ऑडियो और आपके साथ YouTube पे शेयर कर दूंगा, आप मेरे YouTube चैनल पे उसको प्राप्त कर सकते हैं। श्योर श्योर सर, श्योर, ओके।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ओके मैम। वन क्वेश्चन कौन है, रुचि, रुचि मैम बोलिए, पूछिए मैम आपसे, रुचि था, रुचि हरित मैम, आर यू देयर? जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट। हाँ रुचि हरित मैम प्लीज पूछिए। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, प्लीज पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि हाँ। मैंने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स मैंने देखे हैं और देख रही हूँ आज के टाइम पे। जी मैम। मेरे पास बेटा है जो आज 4 साल का है, तो मेरी जो लाइफ के साथ जो मेरी जो लड़ाई है अपनी जॉब्स को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, बहुत कुछ मेरी जो पर्सनल जो चीजें हैं, तो उसकी झुंझुलाहट मेरे बेटे पे निकलती है ना चाहते हुए भी। तो मेरा कई बार मैं उसके साथ थोड़ी एग्रेसिव हो जाती हूँ, डांट देती हूँ, लेकिन बाद में मैं उसको पैम्पर भी करती हूँ। मुझे एकदम से रियलाइज होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आई लिव विद माय पेरेंट्स, तो मेरे फादर अभी कैंसर से जूझ रहे हैं, तो मेडिकल टर्म्स में और उसमें भी मेंटल हमारे मतलब बहुत स्ट्रेस, मैं उस चीज़ को मैं फील करती हूँ, तो मेरी वो चीज़ें झुंझुलाहट में निकलती है, तो मैं अपने लाइफ पे फोकस नहीं कर पाती हूँ कि मुझे एक्चुअल में, मुझे पता है एज ए स्पेशल एजुकेटर मुझे जाना है, पर मैं वो चीज अचीव नहीं कर पाती क्योंकि अपने आप में मैं वो कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप नहीं कर पाती। तो सेम चीज मैं बेटे में भी देखती हूँ, तो उस चीज को मैं कैसे डील करूं अपने बेटे के साथ में, जिससे कि मैं नहीं चाहती कि वो बहुत एजुकेशन लेवल पे बहुत हायर उस पे जाए, वो जो कुछ करे अपने मन से करे, अपनी इच्छा से करे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है मैम। एक्चुअल में जब व्यक्ति इमोशन से अटैच होता है, इमोशनली जब उन चीजों पे काम करता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनके साथ में ये चीजें आ जाती हैं कि वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है, तो वो चीजें आपके साथ भी हो रही है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा कोर्स है मेरा, अगर आप यूट्यूब पे, वैसे शायद फ्री में भी होगा, माइंडफुलनेस से रिलेटेड एक कोर्स मैंने डिजाइन किया था यूट्यूब पे भी, बाकी ऑनलाइन भी मेरा एक कोर्स है, यदि आप वो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपके थॉट पैटर्न्स को कैसे तोड़ा जाए वो कंटेंट वहाँ पे दिया हुआ है। और इमीडिएटली आप जब भी गुस्सा आता है, जब भी आप एक पैटर्न में घुसे होते हैं, मोमेंट क्या होता है कि जब आप नाराज होते हो या आप उदास होते हो, तो आपके पास क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ थॉट्स चलता रहता है, एक के बाद एक थॉट्स, एक के बाद एक थॉट्स, और आप उस थॉट्स के भंवर में फंस जाते हो। तो उस सिचुएशन में आप उस थॉट्स को क्लियर नहीं कर पाते हो, अगर उस बीच में कोई डिस्टर्ब करता है, आपको कोई भी बोलता है, तो आप उसी सीक्वेंस में जो इमोशंस के साथ अटैच हो, उसी इमोशंस के साथ में ही आप रिएक्ट करते हो, तो यही वजह है कि चाबी उस झुंझलाहट में सामना करता है। मैं आपको एक छोटी एक्सरसाइज यहाँ पे देना चाहूँ कि जब भी आप अपने थॉट्स के प्रोसेस के उसमें घुसते हो, तो आपके पास एक के बाद एक थॉट्स आते जाते हैं और आप उसमें उलझते चले जाते हो, तो आप उस थॉट पैटर्न को एक बार तोड़ने की कोशिश कीजिए। जी मैम, ये सब चीजें ना मेरे को लर्निंग प्रोसेस में काफी इफेक्ट करती है मेरी स्टडीज में, तो ये सब चीजें उससे भी इफेक्ट करती हैं। मैम पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंजिंग रहेगा, देखिए सारा का सारा खेल पूरी लाइफ का अगर आप लेके चलते हो, मोस्ट प्रोबेबली आपके थॉट्स पे, आज आप जो भी कुछ हैं आपके थॉट्स का ही रिजल्ट है, और कल आप जो कुछ भी होंगे वो भी अपने थॉट्स का ही रिजल्ट होंगे। तो यहाँ पर आप अपने पैटर्न से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, यहाँ पर समस्या ये है कि आप लगातार अपने पास्ट में ही उलझे रह रहे हो, तो आप जब भी पढ़ने लगते हो या कोई भी काम करने लगते हो, आपके पास दिमाग में तो वही चीजें हैं, आप हो तो पास्ट में ना, प्रेजेंट में तो हो ही नहीं, अब बेस्ट कैसे दोगे, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो पास्ट के बारे में ही सोच रहा है आपके साथ जो मिसहैप्स हुआ। तो आपने एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपसे बात करता हूँ, आप अपने घर की रोज सफाई करते हो, यस, आप अपने ऑफिस की भी रोज सफाई करते हो, क्यों? क्योंकि वहां पर जो डस्ट है उससे कहीं आप बीमार ना हो जाओ, यही वजह है ना। लेकिन क्या आपने अपने माइंड की सफाई की? आपके माइंड का डस्ट क्या है? आपके पास्ट फेलियर्स, आपके पास्ट सेटबैक्स, या आपके पास्ट पेनफुल इवेंट्स जो आपके साथ नहीं होने चाहिए थे हुए, लेकिन आज भी आप उनको याद करते हो तो आपको उतनी ही तकलीफ देते हैं, उतना ही पेन देते हैं। तो इन चीजों पे यदि आप फोकस करोगे, आप पाओगे कि आपको अपने माइंड को डिटॉक्स करने की जरूरत है, और जब आप अपने माइंड को डिटॉक्स कर लोगे, तो आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में जी पाओगे और बेहतरीन लाइफ इंजॉय कर पाओगे, और वो लाइफ हर जगह, नॉट ओनली इन एजुकेशन, नॉट ओनली इन योर पेरेंटल लाइफ,
एवरीवेयर, वेयर एवर यू विल बी, यू एंजॉय द मोमेंट्स. आज आप प्रेजेंट को देख ही नहीं रहे हो, आप पास्ट में उलझे हुए हो, आपकी फाइल हंग हो रखी है पास्ट में. तो आपको अपने माइंड को डिटॉक्स करना है एक बार, और डिटॉक्स करने के बाद में एक छोटी सी एक्सरसाइज करोगे आप 5-7 दिन 10 दिन, तो आप प्रेजेंट में जीना सीखोगे, पैटर्न को तोड़ना सीखोगे. आज हमारे पास अराउंड हर मिनट 2,500 से 3,000 थॉट्स हमारे पास आते हैं. दिन भर में 50,000 से 60,000 थॉट्स हमारे पास आते हैं, जिसमें 80% नेगेटिव होते हैं. यदि हम अपने उस फिल्टर को एक्टिवेट कर लें जो उनमें से जो नेगेटिव है उनको निकाल दे और पॉजिटिव को, प्रोडक्टिव थॉट्स को रखना शुरू कर दे, तो आप उनमें से उनको यूटिलाइज कर पाओगे, अपने लाइफ को और बेहतर बना पाओगे. तो आई होप अगर आप इस एक्सरसाइज करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा. यस सर, आई एम ऑडिबल नाउ? हां जी, प्लीज सर, प्लीज हैव अ गेस्ट. नहीं, एक बेसिक ये बात ऐसी थी सर, जो अवचेतन मन बोल रहे थे, इट इज सबकॉन्शियस माइंड ओनली ना? जी जी जी, सबकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस से कोई रिलेशन नहीं है ना? देखिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिफरेंस क्या है कि कॉन्शियस माइंड है जहां पर वो आपका लॉजिक्स के बेस पे काम करता है, तो लॉजिकल माइंड आपके लिए क्वेश्चन रेज करता है. वही सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपके लिए पॉसिबिलिटीज रेज करता है, वो मान लेता है जो भी आप कहते हो उसको. ड्रीम में और ट्रूथ में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता. तो जब वो आपके ड्रीम को ट्रूथ में कन्वर्ट कर देता है तो आपके लिए आइडियाज जनरेट करता है बेसिकली. और व्हाट इज द, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन? देखिए, डिस्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं, डिस्ट्रैक्शन है आपके साथ में, आप इस तरह से ले सकते हो, कोई भी चीज जो आपको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ में आप काम करना चाह रहे हो लेकिन आपको काम नहीं करने दे रही. प्रोक्रेस्टिनेशन है कि जब आप उस काम को टाल चुके हैं. डिस्ट्रैक्शन तो तब तक है आपको डिस्टर्ब कर रहा कोई काम, भाई जैसे आज इंटरनेट की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, लेकिन मैं अपने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा था, मैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ में एसोसिएटेड था. जैसे मेरे को सिस्टम ने अलाउ किया, मैं दोबारा जुड़ा आपके, आप लोगों के साथ. ओके, दोनों में डिफरेंस है. प्रोक्रेस्टिनेशन है कि आप अपने काम को टाल दे रहे हैं किसी न किसी वजह से, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, आपकी इंटरनल साउंड हो सकती है, आपका कोई और बेनिफिट हो सकता है, या और कोई लॉस का कॉन्फिगरेशन हो सकता है, आपको लगता है यहाँ पे ये नुकसान हो जाएगा अगर मैं करूंगा, तो वो डर नहीं करने दे रहा आपको, फियर है, कुछ भी चीजें हो सकती है, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है, बिलीफ हो सकते हैं आपके रॉन्ग बिलीफ जो आपको आगे काम नहीं करने दे रहे. तो वो आपको अमूमन जो व्यक्ति सपोज करो मेरे को प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, तो मैं ये ना कह करके कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, मैं ये बहाना बनाना चाहूंगा, मैं किसी न किसी तरह से उसको टालना चाहूंगा, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए. मेरा पॉजिटिव इंटेंशन उसके पीछे ये है कि मैं अपने आप को सेफ करना चाहता हूँ, मैं अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहता. तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, जब आप किसी बहाने से किसी बेनिफिट को लेने के लिए अपने काम को अवॉइड कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आगे काम को ना करना, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन. और जो बाहर से डिस्टरबेंस आपको आ रहा है वो है डिस्टरबेंस, डिस्ट्रैक्शन. आई थिंक टॉपिक इज क्लियर टू यू? या या, वेरी क्लियर. हेलो. हाँ मैम, प्लीज प्लीज. हेलो सर, मेरा बस यही क्वेश्चन है एक कि जैसे मैंने थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया हुआ है, मैं थोड़ा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानती हूँ और वही मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ, बट मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, मैंने पूरा कुछ किया नहीं है. तो सिर्फ ये चीज है, जैसे अभी रुचि मैम भी कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, शी इज अ स्पेशल एजुकेटर, तो आई एम ऑल्सो डीलिंग विद स्पेशली चिल्ड्रन जो जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है या कहीं ना कहीं स्पेशल नीड है. तो स्पेशल नीड के केस में सपोज मेरा एक स्टूडेंट है, ये उसकी स्पीच और लैंग्वेज क्लियर नहीं है, वो कुछ बोल रहा है तो उसकी एज अप्रोप्रिएट ना होने के कारण वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर मैं उसको क्या चीज बोलूं कि बेटा रात में या दिन में, या उसके पेरेंट को क्या समझाऊंगी, क्या करना है जिससे कि कम से कम उस लेवल पे काम होना स्टार्ट हो. देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो इंसान वैसे ही नेगेटिव होने लगता है, तो आपको बताना है, समझाना है, बार बार उसको मोटिवेट करना है. एंड ये सब, ये जो आपने कहा कि एक रिलेशनशिप बिल्ड करके कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ये मेरा काम है. बट उसके बाद जो पेरेंट को रात में करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, दिन भर करना चाहिए, या बच्चे को खुद को अगर बोलना है कि आई हैव अ परफेक्ट स्पीच, आई एम द हेल्दी चाइल्ड, आई हैव अ परफेक्ट माइंड, समथिंग,
तो वो क्या होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली मैं बात कर रही हूँ चिल्ड्रन जो 6-7 साल के हैं, जो अभी स्कूल जाना चालू किए हैं बट उनको बहुत तकलीफ आ रही है स्कूल में एडजस्ट होने में। देखिए मैम, दो तरह के बच्चे हैं अंतरा जी की, एक तो वो है जो एक्चुअल में स्पेशल चाइल्ड है जो मेंटली और इशू से रिलेटेड है स्पेसिफिकली, उसके लिए तो आपको ऑब्वियसली बात है स्पेशल चाइल्ड स्पेशल ट्रेनर हो तो आप उस पर काम कर रहे होंगे, बट जो हम और आप भाई चलो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लेकिन सोसाइटी उसको बहुत बुरी तरह डिस्ट्रक्ट कर देती है, तोड़ देती है, तो वहां पर एक सवाल आकर के सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो बच्चा अंदर से टूटने लगता है जिसकी सेल्फ इमेज डिस्टर्ब होती है। जो स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ या जिस पर्टिकुलर बच्चे की मैं बात कर रही हूँ उसको इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं, ही इज अ वेरी हैप्पी चाइल्ड, राइट, इवन पेरेंट्स आर क्वाइट पॉजिटिव क्वाइट सपोर्टिव, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक थॉट रहता है और धीरे धीरे गोल्स भी अचीव हो रहे हैं लकीली, धीरे धीरे से हमने देखा है कि जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो छोटा छोटे करके जो आप बोल रहे हैं कि अफर्मेशन होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव हो रहे हैं बट फिर भी शॉर्ट टर्म अचीवमेंट में मुझे लगता है कि जो राइट अफर्मेशन जाने चाहिए, जैसे पहले वो बोलते थे कि ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, रादर देन क्या होना चाहिए पॉजिटिव अफर्मेशन, नो नॉट कांट, ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए। Obviously, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, वहां पर हम चाहिए वाले तो डायरेक्शन देने वाले बहुत लोग हैं, हमें लेना है कि हम क्या कर रहे हैं। पहली बात तो अफर्मेशन आप भी अंतरा जी डिजाइन करती हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप ना कंटिन्यूअस फॉर्म में रखिएगा। हाँ राइट, कि मैं हो रहा हूँ कर रहा हूँ या हाँ, यस 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 एग्जैक्टली, कंटिन्यूअस होना चाहिए कि सिंपल कि आई एम परफेक्ट, माय स्पीच इज परफेक्ट, इस चीज को आप समझिएगा। देखो मैं माइंड साइंस पे काम कर रहा हूँ और इन चीजों को मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात करते हैं तो कॉन्शियस माइंड है लॉजिकल, राइट, लॉजिकल माइंड हमेशा आपके आपसे एग्जाम्पल चाहता है, आपसे कुछ प्रूफ चाहता है, हाँ मैं ये चीज हूँ, जबकि सोसाइटी उसको ये कह रही है कि तू परफेक्ट नहीं है, तू औरों जैसा नहीं है, तो उसका कॉन्शियस माइंड उसको ये आप ये कहते हो मैं परफेक्ट हूँ तो उसका कॉन्शियस माइंड कहता है कहाँ परफेक्ट है, चंदन तो बहुत तेज दौड़ता है, राइट राइट, आप नहीं दौड़ते हो, वहां पर वो उसका जो डाटा है जो आप फीड करना चाह रहे हो उसके माइंड तक पहुंचता नहीं, ओके समझे, तो कंटिन्यूअसली जब आप कहते हो तो आपका उसका कॉन्शियस माइंड ये कह देता है ओके यू आर इम्प्रूविंग, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए विजिबल करता है और उसके पास ये मैसेज पहुंचने देता है। जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज रेगुलरली जाने लगता है कि मैं इंप्रूव हो रहा हूँ मैं इंप्रूव, वो जिस भी लेवल पे है, आज अंतरा जी आप देखिएगा कि आप अपने आप को किसी भी पैरामीटर पे देख रहे हो, आप अपने आप को आउट ऑफ 10 कितने पे मान रहे हो, सपोज करो आप 8 पे भी मान रहे हो या 6 पे मान रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये फील करता है कि अगर आप 6 पे मान रहे हो तो मैं 6 प्लस कुछ हो रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं 6+8 हो रहा हूँ, 6+6 कुछ मतलब सर्टेन अमाउंट में बढ़ रहा हूँ, मैं 8 पे अपने आप को एक्सेस करता हूँ तो 8 से कुछ प्लस आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ मतलब अभी तुम इम्परफेक्ट हो, अभी तुम्हें कमियां हैं तभी तो तुम इम्प्रूव हो रहे हो, नहीं नहीं देखिए मैं और ग्रो हो रहा हूँ, जो भी मैं बेहतर हूँ लेकिन मैं उससे भी बेहतर इम्प्रूव हो रहा हूँ। देखिए रिच की जहाँ डेफिनेशन है हर व्यक्ति की अलग है, मैं अगर बात करूं भाई मैं आउट ऑफ 10 में 9 हूं तो फिर भी मैं 9 ही तो समझ रहा हूं, आउट ऑफ 10 तो नहीं समझ रहा हूं अपने आप को, तो मैं अपने आप को इम्परफेक्ट समझ रहा हूं। तो मुद्दा यह है कि अगर मैं जब ये आवाज आप दोगे कि यू आर इम्प्रूविंग, यू आर गेटिंग हेल्दी इमेज, यू आर इम्प्रूविंग योर हेल्थ, यू आर इम्प्रूविंग योर ब्रेन स्टेट, यू आर इम्प्रूविंग एवरीवन, जो भी आप इम्प्रूव करना चाहते हो जब उन चीजों पर बात करोगे तो वो जिस भी लेवल पे है, आज वो 8 पे है तो वो 8 से ऊपर इंप्रूव करने की एक्सपेक्टेशन रखेगा। अगर आप ये कहते हैं आप 6 लेवल की इंप्रूव कर रहे हो तो वो ये कहेगा मैं तो 8 पे ऑलरेडी हूँ, समझ लो स्पेसिफिकेशन जब दे देते हो तो कॉन्शियस माइंड वहां पे रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इसलिए आप अपने आप को जब किसी को भी अफर्मेशन देते हो तो अफर्मेशन देते समय हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में रखिएगा, जब कंटिन्यूअस फॉर्म में रखोगे तो वो बच्चा उसको अटैच कर पाएगा। आप ये कहोगे आपका मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं तो करते हैं, वो चीजें चलने की हैं, राइट, जैसे पढ़ाई करते हुए अगर उसने कुछ भी काम किया तो इमीडिएटली वो रिप्लाई करता है कि आई एम अ वेरी शार्प चाइल्ड, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, हां यस, इज इट राइट,
Is it right? चलेगा आप सभी की को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट अपनी सक्सेस इम्प्रिंट टीम की तरफ से एक कामना करता हूं, आप हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। मिलते हैं जल्दी ही एक नई उमंगों के साथ नए सेशन में।